أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و. Why, yeah? आप सबको को रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद और आज पंद्रह मुबारक विलादत सैदना इमाम हसन मुशतबा सलाम है जो कि नवास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है फ़र्जंद अल्लाह अलैहा हैं फ़र्जंद जनाब हैदर करार हैं इससे बढ़ के आपके फ़जाइल जो हैं वो क्या होंगे आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं क्योंकि उनके घर में एक ऐसी शख्सियत की आमद हुई जो कि खुदा के दिन के वारिस हैं उम्मत में इतहाद और इतफाक़ के सबब हैं आज हम कोशिश करेंगे एक छोटी सी कोशिश कि हम अकीदत भरा सलाम आपकी खिदमत में पेश कर सकें उनकी खिदमत में पेश कर सकें जिनके घर वही का नजूल हुआ जहाँ आयत ततहर नाजिल हुई जिस घर के शहजादों का झूला हज़रत जब्राइल झुलाते थे और उनके कपड़े जन्नत से आते थे सैदना इमाम हसन की शख्सियत आज के तमाम इंसानबालू जो नौजवान हैं उनके लिए नमून अमल है वैसे तो बहुत फ़ाइाइल हैं आपके जिस पर हम अगर बात करते रहें तो शायद हमारा वक्त ही ख़त्म हो जाएगा लेकिन जब उमा कराम यहाँ पर तशीफ़ लाएँगे तो हम उनसे सोबत इल्म में आपके बारे में या एक छोटा सा जो नजराना अक़दत है उसका सलाम पेश करेंगे और उनसे आज गुफ्तु रहेगी पंद्रह रमज़ान के ख़ास मौके पे और उसके अलावा भी आज हमारे प्रोग्राम में आ, कुछ एन हमारे साथ होंगी वो लोग जो इंसानी खदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं उनसे बात करेंगे आपसे अपील करेंगे कि आप लोग उनकी मदद फरमाएं क्योंकि बहुत ज़रूरी है मिलजुल के हमें एक दूसरे को साथ ले चलना है हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वाकई मदद की बहुत ज़रूरत होती है वो इधर उधर भटकते रहते हैं लोगों को मदद मिल नहीं पाती है जो सही मायनों में मदद के हकदार होते हैं ऐसी एन जी ओज़ का काम ये होता है कि पूरा डाटा बना के उन लोगों की बाकायदा मदद करते रहते हैं और बहुत सारे लोग आजकल मैसेजेस भी कर रहे हैं बेानतहा मैसेजेस आते हैं जी मदद के हवाले से समझ में नहीं आता कि किस हकदार को ये मदद इंसान करे और किस को ना करे तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो इस तरह की एन हैं जो बाकायदा इस हवाले से काम कर रही हैं उनको हमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है दो एन होंगी एक ओबियसली इंडस हॉस्पिटल है दूसरे बायोनिक्स वाले हैं दोनों से अलग अलग वक्त पे बात होगी हमारे पास मज़ेदार अफ्तार का भी सेगमेंट होता है मज़ेदार अफ्तार में हमारी जो शेफ़ हैं यहाँ पे वो बड़े मज़े मज़े के खाने बनाते हैं उसके साथ साथ हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि जनाब आप हमें मज़े मज़े की वीडियोस बना के भेजें अपनी रेसिपीज़ की क्योंकि रमज़ान में हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत खास बनता है जो शायद पूरा साल नहीं बनता तो आप लोग वो रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करें और जब आप लोग वो रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे तो ओबियसली देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ओजी डेवलपर्स की जानब से जो एल है आ, वो जीतें ओजी डेवलपर्स का कहना है कि राइजिंग बियॉन्ड और उसके साथ साथ और भी जो हमारे स्पॉन्स हैं जिनमें वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क है फोटाइल है खालिद स्वीट्स है पंजनत बाइट जे डॉट है हरबियन है एटीएम मॉल है कोस है उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं आ, कि वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और उनको हम जो है वो वाकई बढ़ बड़ी खुशी होती है जो हमारे एक साथ में एक सिलसिला चल रहा है जेर ज़बर का और मुझे कुछ कहना है जेर ज़बर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं मुझे कुछ कहना है में डिबेट के कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें ओजी सी पर्स की तरफ से बाइक है एलईडी है लैपटॉप है और बहुत सारे इनाम हैं जो भी विनर्स होंगे उनके लिए सो so, आज भी ये मुकाबला रहेगा अक्सा की बड़ी ख़ूबसूरत हमद आपने सुनी थैंक यू अक्सा कारी साहब की भी आपने तिलावत कुरान पाक सुनी बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज़ है कारी असर साहब का बहुत अच्छा लगता है जब भी ये पढ़ते हैं कल हमने आपको मिस किया अज़ान पे लेकिन हमारे सलमान आलम साहब यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बहुत खूबसूरत अज़ान जो है मगरब की वो यहाँ पर हमें सुनाई तो अब हम आगे बढ़ने से पहले ये क्या हो गया अच्छा सो so, मैं परेशान हुआ मैंने कहा म्यूज़िक कहाँ से आ रहा है बट uh, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं तो हमें इंडस uh, हॉस्पिटल से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं uh, वो ज्वाइन करेंगे छोटा सा ब्रेक मौला जी हाँ असल एक दफ़ा बेखुश आमदेद कहते हैं पैकेज आप लोगों ने देखा आ, बायोनिक्स आ, जो है वो एक सोशल इंटरप्राइज है और आ, मैं यही अभी देख रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में आ, हम हमेशा ये कहते हैं ना कि टैलेंट की को कमी नहीं है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है एक एक उम्मीद है उन तमाम लोगों के लिए जो कि डिसबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं आ, या समझें कि किसी वजह से आ, या किसी गलती की वजह से कोई बच्चे गिर भी जाते हैं चोट लग जाती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आ, या पोलियो के कतरे या जो भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी वजह से मसले मसाइल होते हैं बेहतर है कि इस पर जब जो सी ई ओ हैं बायोनिक्स के उनसे जब बात होगी तो वो ज़्यादा बता सकते हैं बेहतर अवैस कुरैशी साहब आपको खुश आमदेद कहता हूँ हमजा ख़ान है कम्यूनिटी मैनेजर हैं बायोनिक्स के आपको भी खुश आमदेद कहता हूँ Uh, थोड़ी सी अवैस uh, एक तो हिस्ट्री पे पहले बात कर ली जाए फिर uh, जो हमने ये पैकेज देखा है आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मतलब ये बड़ा बड़ा ज़बरदस्त काम है ये थैंक यू सो मच बायोनिक्स की जो हिस्ट्री है अगर हम बात करें तो बायोनिक्स स्टार्ट हुई थी 2016 के अंदर अच्छा इट वॉज फॉर्म बाई मी एंड माई पार्टनर अनस न्यास सो हमने जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे तो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की और हमारे पास जो सबसे पहला बच्चा था जिसका आपने नोटिस किया कि वो आयरन मैन तीन पे बा काम था सो दैट वाज मीर बयान बलोच वो पाँच साल का बच्चा था उसको उर्दू भी बोली नहीं आती थी तुरबत बुरशां से उसका ताल्लुक था और हमने सबसे पहला बयान काम उसको प्रोवाइड किया और अलहमदिल्ला उस दिन से लेके आज तक हमारी जर्नी कंटिन्यूड है और आज हम दुनिया की ट्वेंटी सिक्स में से एक हैं जो ब्रेन कंट्रोल प्रोसेटिस बनाते हैं तो पूरी दुनिया में इतनी कंपनीज हैं कि आप अपनी फिंगर टिप्स से काउंट कर लें एंड दैट इज़ इट माशाल्लाह माशाल्लाह सो so, बड़े कम अरसे में आ, आप लोग जो हैं वो आ, इस तरह से कर रहे हैं आ, क्या क्या फैसिलिटीज़ बायोनिक्स जो है वो ऑफर करता है आ, बायोनिक्स का मेन फोटे जो है वो अपरल प्रोस्थेटिक्स है अच्छा क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ही नीच और सेगमेंटेड मार्केट थी इस तरह का इशू था कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोस्थेटिक्स अवेलेबल थे वो मैकेनिकल थे तो वो 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 सोल्यूशन यहाँ पे लोगों के लिए सस्टेनेबल नहीं थे प्रोस्थेटिक पहनने के लिए शर्ट रिमूव करनी है और फिर हार्डनेस पहनना है उल्टे शोल्डर पे फिर वो बेल्ट को पुल करना है तो प्रोस्थेटिक वर्क करेगा इट तो वॉज डम दुम प्रोस्थेटिक डमी प्रोस्थेटिक एंड थे तो बायोनिक्स आज जो सर्विसेज ऑफर करता है उसमें एक अगर किसी की खुदा फिंगर भी मिसिंग हो उससे लेके दोनों शोल्डर मिसिंग तक हम केटर कर चुके हैं अच्छा सो so, अलहमदुल्ला जो अगर हम दोनों शोल्डर्स केटर केटर करने की बात करें तो वो तो पूरी दुनिया में शायद तीन कंपनीज हैं जिन्होंने आज तक वो चीज़ अचीव की है बायनेक्स उसके अंदर से भी एक है अलम्दल और सारा मैनुफेक्चरिंग सारा कुछ पाकिस्तान में कम्प्लीटली हमारे पास अपने पेटेंट्स हैं वी हैव आर राइट्स हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है इट्स एन इंडीजीस टेक्नोलॉजी ऑफ पाकिस्तान माशा माशा और ऐसी मैं ये वैसे पूछा एक जो ये हाफ आर्म है ये इसकी क्या प्राइस होती है वैसे इंटरनेशनल uh, मार्केट के अंदर इसकी प्राइस स्टार्ट होती है ट्वेल्व थाउजेंड यू डॉलर से और ट्वेल्व थाउजेंड टू एस अच्छा और आज पाकिस्तान में जो हम इस आर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं वो साढ़े चार लाख रुपए दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑन लाइक सिक्सटीन हंड्रेड एंड थर्टी डॉलर्स तो हम फ्रैक्शन की भी फ्रैक्शन के अंदर हैं आज इसकी कॉस्ट में बिल्कुल और आप लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगा रहे हैं बेसिकली बायोनिक्स uh, एक सोशल एंटरप्राइज है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आइदर द कंपनीज आर रजिस्टर्ड एज फॉर प्रॉफिट और नॉन फॉर प्रॉफिट तो हमने जब लोगों को प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड करना शुरू किए तो लोगों की एक आस बनना शुरू हो गई वी गॉट अ लिस्ट ऑफ़ मोर देन टू थाउजेंड पीपल वेटिंग इन आर लिस्ट आज के दिन तो हमने बहुत सारी एन से अलाइन करने की कोशिश की बट सर एक एन का अपना एजेंडा होता था सो so, बायोनिक्स ने फॉर्चुनेटली 2023 के अंदर जाके अपनी एक वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर कराई जिसके तहत आज हम इरादा रखते हैं कि इस साल रमज़ान में हम 500 हंड्रेड बायोक्स आम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे हमारे लोगों को इन इन हमजा यहाँ मौजूद हैं हमज़ा बचपने से आपको प्रॉब्लम होती होगी थोड़ी सी बट उसके बाद जब से ये आपने बायोनिक्स का ये आपने टूल यूज़ करना शुरू किया है सो इट्स वर्किंग प्रॉपरली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये आम ऑलमोस्ट लगाया मैं दो साल हो गए मुझे उसको अच्छा और इससे पहले कि अगर लाइव बताऊं तो उसमें बहुत सारे हडल्स थे बहुत प्रॉब्लम्स थी चाहिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से बंदा लाइफ गुजार सकता है सो so, जब ये आर्म लगा तो मुझे उस वक्त लगा है और इन्होंने देखा था कि मैं उसे ना बाइक पे आ रहा हूँ so, बाइक का पता था किस तरीके से चलती है कैसे होता है क्लैश और रेस वग़ैरह सो so, इन लोगों ने ऐसी रैंडम बोला कि यार आप इससे ट्राई करो बाइक चलाने की तो so, बस मैं वहीं से बैठा हूँ और जब मुझे ये फर्स्ट डे जो लगा है उसी दिन मैंने अब ऑफिस है, घर बाइक पे आया हूँ अच्छा, क्योंकि इसमें जो अच्छा, हमारे ब्रेन से कैच करते हैं और फिर आगे करते हैं ते चलते हैं अच्छा, और अगर मैं इसको उतारने पहनने की बात करूं तो हम इसको कहते हैं, हाँ, के बहुत इजी इसको रिमूव करने है कुछ भी नहीं है अगर आप यहाँ से देखें तो ये मुझे बॉडी से कोई अटैच नहीं है मैं अगर आपको रिमूव करके दिखाऊं सो इसमें भी कुछ नहीं है इस तरीके से सिंपल कि मैं रखना है तो मैं रख दूँ और पहनना है तो मैं यूज करके पहन लूं और जितना ईजी आपको ये लग रहा है कि मैं इसको उतार रहा हूँ और वापस पहन रहा हूँ आप नहीं उतार सकते इसको मतलब कोई भी नहीं उतार सकता मेरे अलावा अच्छा हाँ, ये you can have a हाँ मतलब बैठे बैठे सही अब हाँ, दे आप, आप इसको ट्राई करें खींचने की जोर लगा सकते हैं कोई मसला नहीं ये क्या चक्कर है

एक होप की बात कर रहे हैं एक एक सपोर्ट की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली जाहिर सी बात है हाथ के साथ तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम होते हैं बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना तो लेकिन अगर इस तरह ये देखें कितने आराम से उसने मोबाइल साइट पर रख दिया सो ऑब्वियसली मुश्किलें तो आ रही होंगी सक्सेस स्टोरी एक हमारे सामने है बच्चे का भी आपने हमें बताया उसने आयरन मैन का हाथ बनवाया कितना खुश हो गया यार वो ही वॉज रिकनाइज एज आयरन मैन केड इन हिज स्कूल और अच्छा साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट भी बहुत मैटर करता है एक और uh, वीडियो के अंदर एक बच्चा है जिसने वाइट कलर का आर्म पहना हुआ फ्लैग रेस कर रहा है so, सो जब मैंने उससे पूछा कैसा हाथ चाहिए तो उसने कहा भूत वाला हाथ चाहिए मुझे बच्चे तंग करते हैं मैं उन्हें से बदला लूँगा हमने उसे भूत वाला हाथ वाइट टीम में बना के दिया उसने कहा एक हफ़्ते बाद आया और उसने कहा अब ये स्विच कर दें मुझे आयरन मैन हैंड चाहिए सब मेरे दोस्त बन गए अब मैं उनके साथ दोस्त बनना चाहता हूँ सो so, जो इम्पेक्ट है जो एक्सेप्टेंस है अभी हम यहाँ पे हमज़ा की बात कर रहे हैं तो हमज़ा ने जब तक अपना आर्म नहीं उतारा था हम में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अंदर हाथ कैसा होगा हाँ. या कोई भी तरह से हम कोई बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो वो बहुत बड़ा एक इम्पेक्ट करता है क्योंकि हम बात करते हैं इंक्लूजविटी की हम बात करते हैं लोगों की री जो मोबिलिटी है उसको री करने की उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रीगेन करने की तो वी आर एडवोकेट फॉर टूवर्ड्स के हम लोगों को इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ लेके जाएं और सबसे इंपॉटेंट चीज़ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आज आपका माशा तो हम लोगों का अवेयर करें कि अगर वो किसी ऐसे शख्स से बात करें तो उसकी आंखों में देख के बात करें ना कि उसके उस आजा को देख के बात करें वेरी ट्रू वेरी कि आप बोलते है नहीं हैं बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें लेकिन उसका एहसास हो जाता है नहीं नहीं ये देखें ये तो बिल्कुल अच्छी बात है आप किसी को ये एहसास मत दिलवाया करें बच्चों को भी समझाया करें अपनी फैमिली में भी कि अगर कोई इस तरह से किसी के साथ कुछ हो गया इस तरह का मसला तो ट्रीट देम नॉर्मल और दुनिया भर में ये बड़ा नॉर्मली इन चीज़ों को ट्रीट किया जाता है हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ज़रा थोड़ा हम कोई अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा है तो उसको अलग तरह से ट्रीट करते हैं कोई ऑटिस्टिक है उसको पता नहीं कैसे ट्रीट करते हैं किसी वजह से किसी के साथ कोई मसला हो गया तो उसको जुमले कसना उसको बातें करना अजीब uh, अजीब जुमलों से उसको बुलाना ये भी गलत है सो so, uh, हम इसलिए बायोनिक्स के जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो चला रहे हैं व्हाट्सएप uh, नंबर्स भी चला रहे हैं अब इन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 2000 की लिस्ट इनके पास मौजूद है पाँच सौ मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी बड़ी मुश्किल होगी टाइम uh, लेता होगा एक हाथ बनने में ऑलमोस्ट Uh, एक हाथ को प्रोविजन करने में हमें फाइव टू सेवन वर्किंग डेज लगते हैं अच्छा उस शख्स से मुलाकात करने से उस हाथ को डिलीवर करने तक आप लोग कस्टम मेड कर इट इज कस्टम मेड ठीक है और ना के सिर्फ हमजा का सॉकेट कस्टम मेड है बल्कि हमजा के जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो अटैच हो जाती है कनेक्ट हो जाती है इसके प्रोसेटिक से तो इनका जो फर्मवेयर है वो भी हमजा के हिसाब से कस्टमाइज्ड है अच्छा सो द प्रोस्टिक एक्चुअली लर्न इट्स यूजर और हर हाँ पंद्रह दिन के बाद एक नया फर्मवेयर अपडेट होता है जिसकी वजह से वो प्रोसेटिक कस्टमाइज हो जाता है और बायस की आज जो करंट कैपेसिटी है मैनुफैक्चरिंग की दैट इज़ फाइव हंड्रेड बायनक आर्म्स इन अ मंथ सो हम इनशाला इन शाह इसी के साथ साथ सॉरी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द रिहेबिलटेशन ऑफ यूक्रेन और हम इंटरनेशनल उन कम्यूनिटीज़ और उन जगहों की भी रिहेबिलशन की कर रहे हैं जहाँ पर कोई नेचरल डिजास्टर्स या क्लेमिटीज़ हैं और uh, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको प्रोस्थेटिक की नीड है तो वो भी हमसे डेफिनेटली राता कर सकता है इस चीज़ के लिए क्योंकि हम उन लोगों को प्रोस्थेटिक देना चाहते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज क्रिएट कर रहे हैं Very कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर वेरी ट्रू आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं फ़लस्तिन uh, की बात कर रहे हैं आप पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं तो uh, मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जो है वो इस तरह के लोगों को बिल्कुल करना चाहिए फाइव हंड्रेड आर्म्स की ये बात कर रहे हैं जो ये साल में डोनेट करना चाहते हैं आप लोग अगर मदद करें तो ये इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल क्योंकि मैं तो ये सोचा था कि शायद 500 हंड्रेड आर्म्स बनाने में इनको साल लगता होगा लेकिन ये तो कह रहे हैं एक महीने में 500 हंड्रेड आर्म्स बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 6000 थाउजेंड आर्म्स इन अ ईयर बाइनक्स कंपनी जो है वो मैनुफेक्चरिंग पे है और ये बड़ा अमाउंट है यार अल्टीमेटली इट्स अज अमाउंट और इट्स अज गैप और अनफॉर्चुनेट ये है कि जो जिन लोगों की पाकिस्तान में एम्पूटेशन होती है दोज बिलोंग फ्राम वर्किंग क्लास एंड लेबर क्लास जी और और आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज भी दे सकते हैं यार तो लोगों को कह भी सकते हैं मैं तो बार बार लोगों को ये कहता हूँ दरख्वास्त करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं ये इस तरह की जो बातें होती हैं ये ज़्यादा बेहतर होती हैं शेयर करना एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या इंस्टा पे आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इस तरह का कहीं किसी का कोई फ़ायदा हो जाता है सो कोई क्लिप निकालें ये सारी इंफॉमेशन उसके अंदर मौजूद हैं अपने फ्रेंड सर्कल में बात को घुमाएँ ताकि बात आगे बढ़े किसी के दिल में आता है तो वो सपोर्ट कर सकता है जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी आपको डोनेशंस भेज सकते हैं जी बिल्कुल जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी हमसे रबता कर सकते हैं इस तमाम चीज़ के लिए और जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनके लिए बाइनस की वेलफेयर फाउंडेशन के अकाउंट्स अलग हैं अच्छा। और बानस टेक्नोलॉजी so, अच्छा, तो आप बाय भी कर सकते बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी कुछ अलाइनमेंट हो नहीं पाई थी किसी एनजीओ के साथ स्पेसिफिकली तो फॉ अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी एक पूरी एन डेवलप करनी पड़ी ट्वेंटी के अंदर मी एंड अनस वी बोथ आर इंजीनियर्स और वी वी हैव अ वेरी ह्यूज टेक्नोलॉजिकल फुटप्रिंट प्रिंट पूरी दुनिया के अंदर तो बट वी आर हेयर टू फैसिलिटेट आर पीपल एज वेल नहीं नहीं माशा बड़ा काम करते हैं यार पाकिस्तान में हम यही देख रहे होते हैं यंगस्टर्स जैसे काम कर रहे होते हैं अल्लाह पाक आप लोगों को खुशियाँ बड़ी अच्छी बात है देखें बिजनेस अपनी जगह है लेकिन उसके साथ आपने सोचा कि नहीं लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाया जाए और लोग उससे फ़ायदा भी उठाएं तो मैं खुदारा आप लोगों से बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आपने सपोर्ट करना है आ, बैनिक्स को एज़ मच एज यू कैन ताकि ये लो, लोगों की मदद कर सकें एहसास करने की बात है हर रोज़ मैं यही बातें करता हूँ लेकिन हकीकत यही है कि एहसास करने की बात है कि आपने सिर्फ ये एहसास करना है ऐसे शख्स के बारे में जो शायद अपने दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता हम कभी कभी ना शुक्र होते हैं ना कि हमें हम हर छोटी छोटी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो अल्लाह का शुक्र हर पल अदा किया करें कि आप दोनों हाथों से काम कर सकते हैं दोनों टांगों से चल सकते हैं दोनों आँखों से देख सकते हैं दोनों कानों से सुन सकते हैं बोल सकते हैं सून सकते हैं तो इसी पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो मेरे ख़्याल से कम नहीं होता वो लोग जो किसी भी एक चीज़ की अगर ज़रा सी उनमें कमी रह जाती है अल्लाह ताला ऑब्वियसली दूसरे तरीके से उनके अंदर वो कमियां पूरी कर देता है लेकिन देखने में जो है वो जो हमें कमी लगती है जब वो होती है तो अल्लाह ताला कोई ना कोई और ताकत उनके अंदर ज़रूर देता है बट आप अगर एक ज़रा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं तो बहुत आसानी से जैसे अभी हमजा बता रहे थे कि वो बाइक चला सकते हैं सीधे हाथ से पानी पी सकते हैं मोबाइल पकड़ सकते हैं ग्रिप कर सकते हैं मैंने अभी ग्रिप किया है इनका हाथ कि मैं निकालने की कोशिश करूं तो मैं नहीं कर पाया बिकॉज़ uh, उसकी एक अपनी सर्टन ग्रिप uh, है जो कि ब्रेन से जब सिग्नल नहीं आएगा तो वो हाथ को ऐसे निकाल भी नहीं सकता तो यार वैस डन अ वेरी गुड जॉब यार अल्लाह पाक आपको sir. बहुत कामयाब करे कोई आप मैसेज देना चाहें लोगों को जो सुन रहे होंम ज़रूर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि पहले तो हम सब अपनी जानों की हिफाजत करें रादर देन के हम एक बाइक पे इंडिकेटर ना लगाने के बजाय सीधे हाथ से इशारा करते रहें गाड़ी से सिगरेट के लिए हाथ बाहर निकालें और सिगरेट पी रहे हो सो so, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिंदगी में बहुत अवॉइड करते हैं लेकिन उससे होने वाला जो नुकसान है वो बहुत परमानेंट और बहुत बड़ा होता है तो हमें हमेशा कोशिश करें कि हम प्राइमरी केयर के ऊपर फोकस करें कि वो हादसा हो ही ना वो चोट लगे ही ना और आपको इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जो किसी ऐसे हादसे से गुजर चुका है सो बायोनिक्स के डोर्स ओपन हैं वो आए और बिल्कुल बहुत ईजीली हमसे रबता करें वी आर हेअ टू सपोर्ट दैम अप एट एवरी स्टेप चाहे वो साइकोलॉजिकल उनको कोई कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं वी हैव कम्युनिटी मैनेजर हैज़ हमजा ख़ान जो बैठ के लोगों को मोटिवेट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो लोग जिनके जो बिल्कुल नॉर्मल हैं सब कुछ हैं और किसी एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से हार मान रहे तो प्लीज़ अपनी लाइफ को ज़ाया ना करें एंड कंटिन्यू विद द थिंग्स बहुत सारे लोग ऐसे जिनके दोनों हाथ नहीं और आज बहुत सारे काम कर रहे हैं थैंक यू वैस थैंक यू हमज़ा थैंक यू अल्लाह पाक आपको कामयाब करे बहुत कामयाब करे हम जा रहे हैं ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं फिर हमें इंडस हॉस्पिटल ज्वाइन करेगा जी वेलकम बैक द ब्रेक इस वक्त हमारे साथ इंडस हॉस्पिटल से प्रोफेसर साहब यहाँ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल का नाम मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान में रहने वाला कोई शख्स ना जानता हो इंडस हॉस्पिटल की खदमात मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो ना जानता हो इंडस uh, हॉस्पिटल ने इंसानी खदमत के लिए जितना भी काम किया है वो शायद ही कोई इंसान हो जो ना जानता हो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी uh, बहुत सारे लोग हैं uh, जो दिल खोल के इंडस uh, हॉस्पिटल का साथ देते हैं इंडस हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं लेकिन ऑब्वियसली uh, कहीं ना कहीं इंडस हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं वक्त आ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ रही हैं इंडस हॉस्पिटल से और उस उम्मीदों की वजह से बेतहाशा लोग जो है वो इंडस हॉस्पिटल पहुँचते हैं क्योंकि वो इस उम्मीद के साथ पहुँचते हैं कि इंडस हॉस्पिटल जो है वो उनको बाहें खोल के उनको सपोर्ट करेगा इंडस हॉस्पिटल जो कि 2007 में इस्टैब्लिश हुआ उससे पहले भी दे वर्किंग बट एक प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूं तो 2007 में इस्टैब्लिश हुआ और तब से लेके अब तक बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको इंडस हॉस्पिटल फेस करता आया है आ, दुनिया भर में फ़ंड रेजिंग इसके लिए की जाती है दुनिया भर से लोग इंडस हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं पूरा साल इंडस हॉस्पिटल लोगों के लिए कोशिश करता रहता है कि उनको फैसेलीटेट किया जाए उनको सपोर्ट किया जाए हर तरह की मैं इसलिए ये बात करूँगा मैं पहले तारफ़ करवा दूँ फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ़िसर इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर नेटवर्क प्रोफेसर सैयद जफर जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं किम सर कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं अक्सर व बेशतर होता है कुछ कॉल्स मुझे आपके इंडस हॉस्पिटल से आती हैं सपोर्ट के लिए ओबियसली जो हम करते ही हैं लेकिन कई दफ़ा ये भी हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे जब मेरी बात करवाई गई तो मुझे इल्म हुआ कि इनके पास तीन महीने बाकी हैं या चार महीने बाकी हैं या दो महीने बाकी हैं ही और शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू तो मैंने वीडियो कॉल्स पर उनसे बात की दिल बहुत दुखता है बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे बच्चों से बात करके लेकिन सर बहुत बहुत ख़दमात हैं आप लोगों की इंडस हॉस्पिटल की अन इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं शामिल बहुत शुक्रिया लेकिन चैलेंजेस सर चैलेंजेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं इतने आप जैसे आपने फरमाया बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में उधु करने का जैसा आपने फ़रमाया कि जैसे जैसे काम बढ़ रहा है लोगों की उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं सबसे पहले मैं ये कह दूँ कि ये जो काम हम कर रहे हैं मुफ्त इलाज और एक क्वालिटी का ये हमारा नहीं हुकूमत का फ़र्ज़ है मगर आपकी और मेरी जिंदगी में शायद गुजर जाएगी और वो बात नहीं आएगी जो हम चाह रहे हैं कि हो तो इसलिए हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठे रह सकते इसलिए निकले हैं करने और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है सारे मुल्क में फैलता जा रहा है लोगों की उम्मीदें आपने बिल्कुल सही फ़रमाया लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ती जा रही हैं तो हम जहाँ पहुँचते हैं उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है तो हमें और बढ़ाना पड़ता है और हम बढ़ाए चले जा रहे हैं अभी भी हमारे अस्पताल में साढ़े तेरह सौ बेड का अस्पताल बन रहा है नया बिल्कुल ब्रांड न्यू इंशाल्लाह जल्द उसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे मगर जो चैलेंज आता है आ, उसको जब आप देखते हैं तो सरसरी तौर तो पे तो लगता है कि पैसे कहाँ से आएंगे आ, मुश्किल काम है मगर अल्लाह उसमें मदद कर देता है मेरे ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ह्यूमन रिसोर्स का लोगों का मिलना अच्छे लोगों का मिलना जो इंसानियत की ख़दमत करना चाहते हैं जो क्वालिफाइड हैं जो अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं और मैं सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा नर्सेस की बात कर लें आई टी टेक्नीशियन की बात कर लें आप किसी भी किसी भी अस्पताल के हिस्से की बात कर लें वो एक एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको अबूर करने के उसको अगर हम हम अबूर कर सके और, और दूसरे बूर कर सके पाकिस्तान के बहुत सारे मसले भी ठीक हो जाएंगे तो उसके सिलसिले में इस चैलेंज को ले आप चले हम कि हम एक इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बना रहे हैं जल्द इन वो शुरू हो जाएगी चार्टर उसका मिला हुआ है चार कॉलेजेज़ हमारे अभी भी किराए की जगहों पर चलते हैं जैसी बिल्डिंग होगी उसमें आ जाएंगे उसे क्योंकि हमें लगता है ये है कि हमें आ, अच्छे लोग बना के और प्रोड्यूस करके उनको ट्रेन करके निकालने की ज़रूरत है हम ऐसा रुके अलहमदिल्ला नहीं रुके तो फिर भी पाकिस्तान का नाम रोशन ही करेंगे पाकिस्तानियों के काम ही आएंगे तो ये, उसकी एक बड़ी सख्त ज़रूरत है और मैं अगर कोई सरकारी जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स हैं देख रहा हूँ तो उनसे यही कहूँगा कि आपको अपनी कैपेसिटी ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट पे लगाने की ज़रूरत है खर्च करने की ज़रूरत है ठीक है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है आप उनको ना दें आप डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दें वे जा कर पढ़ लें आप उनको दें ठीक है दैट इज़ द एरिया आप, आप वहाँ करना चाहते हैं मगर जैसे जैसे तालीम आती है जैसे जैसे हुनर आते हैं और अगेन यहाँ पर एक बड़ा अलमिया ये है कि लोग समझते हैं कि नॉलेज आ जाना या इल्म आ जाना वो बड़ा काफ़ी है नहीं जिंदगी बदल गई है स्किल सेट्स लोगों के हुनर हाथ में हुनर होना बड़ा ज़रूरी है और जो एक और बड़ा जो चीज़ मिसिंग है वो एटीट्यूड है उनका जिस तरह से लोगों के साथ बर्ताव वो एक बड़ा ज़रूरी है उनको सिखाना क्योंकि जो जो भी आप इल्म की बात करते हैं मुझसे कोई भी सवाल पूछे मेरे पास गूगल है मैं आपको अभी जवाब दे दूंगा अगर क्या मैं आपसे या किसी दूसरे से हमदर्दी से उसकी 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 मुश्किल को समझ के बात कर सकता हूँ क्या मैं उसके काम आ सकता हूँ क्या मैं अपनी ज़ात से बढ़ के उसके लिए कुछ कर सकता हूँ ये वो चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स जो सिखाने भी ज़रूरी हैं तो इसी की वजह से अब ये एक नया चैलेंज समझ लें जो अस्पताल और मरीज़ और सब है उसके साथ मेडिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन भी एक अब उठाया है तो अल्लाह ताली उसमें जहाँ तक यहाँ तक, तक उसने हमारी रहनुमाई की है मदद की है अल्लाह ताली उसमें भी आगे बढ़ाएगा सब ओबियसली जब हम बात करते हैं एक एक आप छोटे लेवल पे जब काम शुरू करते हैं तो शायद मुश्किल उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि uh, इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती इतने लोग भी आपके पास नहीं आ रहे होते बट जैसे जैसे लोग आना शुरू होते हैं एक्सपेक्टेशंस बढ़ना शुरू होती हैं अब uh, आप ऑलमोस्ट साढ़े तेरह सौ बेड का हॉस्पिटल इट्स इट्स नॉट अ जोक विद ऑल लार्जेस्ट फ्री ऑफ केयर प्राइवेट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एग्जैक्टली और फिर वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे चाहिए जो दुनिया के बड़े हॉस्पिटल में होती हैं वो सारी फैसिलिटीज वहाँ मौजूद हैं ऑपरेशन थिएटर्स वहाँ मौजूद हैं दुनिया की लेटेस्ट इक्वमेंट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं सो ये सारा कुछ मेंटेन करना फिर ऑब्वियसली उन सब चीज़ों के लिए आपको पूरा स्टाफ चाहिए फिर उस स्टाफ के होते हुए ऑब्वियसली जिस तबके की आप बात कर रहे हैं

कि वो प्रॉपरली चलते रहें और दूसरे उनको फॉलो कर सकें और बेहतर से बेहतर तरीके से दिस इज एम के मतलब दिस इज़ वेरी कितना डिफिकल्ट है आप जितना एक्सपेंड uh, करते जाते बिकॉज uh, uh, कई दफ़ा यह हुआ है कि uh, मुझे भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि आपकी अगर कोई इंडस्ट में जान पहचान है तो प्लीज़ किसी को ये कह दें वो कह दें मैंने कहा देखें वहाँ पर तो कोई सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं है भाई मैंने कहा वहाँ तो सिर्फ आपने जाना है और वो आपको यू नो ऑन बोर्ड ले लेते हैं अगर

अगर खुदा न खास्ता कोई हेल्थ इशू हो जाए सेहत का कोई हो जाए तो मुश्किल आ जाती है वाकई बहुत मुश्किल है आ, लेकिन का... मैं यही कह रहा हूँ ना सर कि कितना मुश्किल है इतने बड़े लेवल पे हर चीज़ को मेंटेन करना फिर आप दुनिया हम आ, मैंने तो चूंकि विजिट एक दफ़ा नहीं मैंने दो तीन दफ़ा विजिट किया दुनिया की हर लेटेस्ट इक्विपमेंट आप लोगों के पास मौजूद है तो चैलेंजेस उतने बड़े हो रहे हैं तो दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू से हम um, चूँकि इसीलिए बैंक की डिटेल्स आप लोगों के सामने चला रहे हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं सेहत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये अभी तक पाकिस्तान में एक ऐसा मसला है जिस पर जब हम बात करते हैं एक तो तालीम एक हुनर और एक सेहत तीनों सबसे इम्पॉटेंट चीज़ें हमेशा से और हम इन्हीं को हमने सबसे पीछे रखा हुआ अगर हम हुकूमती लेवल पे बात करते हैं तो तो इस मसले में अपनी मदद आपके तहत दुनिया भर से डॉक्टर्स इंडस को सपोर्ट करते हैं दुनिया भर से बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं बट ये थोड़ा कलेक्टिवली हमें मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा बट माशा पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत सपोर्ट और, करते और हैं। जितना पाकिस्तानियों का दिल बड़ा है हर क्राइसिस में अगर आप देखें जिस तरह से सामने आए हैं वो एक एक बिल्कुल एक मिसाली है तो इसलिए जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ रहते हैं वो उन सब से अपील है कि ज़क़ात दें अपनी सारी जक़ातें दें इंडस हॉस्पिटल में दें सही जगह लगती है आके देखें आपको ख़ुद उसका अंदाज़ा होगा आप जा चुके हैं तो देखा है आपने इसलिए क्योंकि हम सारा का सारा जो है बिल्कुल मुफ्त है किसी किस्म का कोई कैश काउंटर नहीं है जो भी चला जाए कोई तफरीक नहीं है कोई ना रिलीजन की ना किसी लेकिन की सर अगर कोई इस तरह का शख्स आता है जो पे कर सकता है तो उससे भी आप लोग हम जो पे कर सकता है और वो पे करना चाहे हम एक तो ये कि हम नहीं बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो कर सकते हैं उसके बाद तो कर्ज़दार बन जाते हैं ऐसा ना हो अगर देना चाहें तो ज़रूर वो डोनेशन दे के जा सकते हैं पूरा का पूरा अस्पताल जनरल वार्ड है तो ना कोई सेमी प्राइवेट है ना प्राइवेट है तो जो लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं वो फिर प्रेफर करते हैं और जाहिर इंतज़ार है क्योंकि लाइनें लंबी हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाए बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर सब लोग यहाँ पे पे करके आने लगे अच्छी सर्विस है तो वो बेचारा कहाँ जाएगा जो नहीं पे कर सकता तो हमारा हमारा जो मेन फोकस है तो वो उन उस तबके के लिए है जो नहीं कर सकता अच्छा। तो इसलिए हमने वो आ, कोशिश यही है कि वो आए और मगर जो आ जाए जिसको जैसी जरूरत हो उसको हम मना नहीं करते बहुत सारे लोग कुछ लोग बहुत तो नहीं थोड़े से लोग आते हैं ऐसे कि नहीं हमें यहीं इलाज कराना है बहुत अच्छा इलाज है अपनी मर्ज़ी से जो दे जाए बिसमिल्ला और सहित के हवाले से अगर प्रोफेसर साहब बात करें तो मेरे ख्याल से हर शोबे में ही आप लोग जी अलमदिल्ला ट्रीट कर रहे हैं की जी अलहमदिल्ला कुछ चीज़ों में हम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सेंटर थे जो आप कैंसर की बात कर रहे हैं बच्चों के कैंसर का सबसे बड़ा इदारा जो है वो इंडस में ही है हमें वहीं यहीं पर चलता है इन्फेक्श डिजीज़ का बहुत बड़ा है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जोड़ों के एक्सचेंज का ये सब चीज़ों का मगर इसके पे ख़र्चे भी, भी बहुत ज़्यादा है अब जैसे अगर आप बात करें जो कान का आला जो होता है बच्चों का जो जो पैदाइशी तौर पे नहीं सुन सकते कॉकलियर इम्प्लान्ट कहलाता है जी वो एक सिर्फ़ आला जो है वो तीस लाख रुपए का है और डॉलर जैसे बढ़ रहा है वो उसी स्पीड से भी बढ़ रहा है और इसके लगाने का वो अलग है तो वैसे भी हम लगाते हैं बहुत सबको लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जाहिर है हमारी एक लिमिटेशन है हम उसमें ही कर सकते हैं वक्त की और जगह की बाकी जो है जहाँ तक उस पर ख़र्चा करने का है तो जो हमसे हो सकता है वो करते हैं अल्लाह ताला कराता है उसके पास कमी नहीं है ये बना ही अस्पताल अल्लाह ताला के के लिए था और आम लोगों की खैर ख्वाही के लिए था तो वो अल्लाह का बड़ा करम है उसने हमें चुना कि हम ये कर सकते हैं हम कर रहे हैं वही करवाएगा आगे चलाएगा आप सब देखने वालों से उम्मीद है और वो दुआ है कि आप सब भी इसका हिस्सा बने रमज़ान है आफ्टर आफ़्टरऑल इसमें इससे बेहतर क्या मौका हो सकता है नेकियों को लेने का और अगर किसी वजह से नहीं कर सकते तो दुआ में शामिल करें दुआओं में भी बड़ी बरकत होती है या अगर वैसे कोई आप एज uh, ह्यूमैनिटी के तौर पे वहाँ जाके हेल्प आउट कर जी सकते हैं तो वो भी करें और अपने अपने जानने वालों से कहें क्योंकि हाँ। जो जो एक से सीना बसीना जो दूसरे पे चलता है बताते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है आप दूसरे को बताते हैं वो बहुत काउंट करता है मैं जितना भी यहाँ बैठ के बात करूँ आप अपनी नज़र से जो देख लेंगे वो उसका जो असर है वो वो नहीं है जो मेरी बातों में होगा या किसी जो आदमी जो वहाँ जाके मुस्तफीद हो चुका है उसकी बातों में होगा वो दे वुड बी द मोस्ट बेस्ट एम्बेसडर्स फॉर वेरी ट्रू सर वेरी ट्रू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप आए बहुत अच्छा लगा और अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे सपोर्ट आ, बहुत ज़रूरी है जी इस वक्त वैसी ज़रा मुश्किल बढ़ती जा रही हैं ख़ास तौर से अगर हम आम आदमी की बात करते हैं ख़ास लोगों के लिए भी मसले पैदा होने शुरू हो गए हैं तो आम आदमी के लिए तो और भी मसले मसाइल होंगे पेट्रोल महंगा हो गया है डॉलर महंगा हो गया है जिसकी वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं तालीम बहुत महंगी हो गई है सेहत बहुत महंगी हो, हो गई है तो इसमें हल सिर्फ एक ही है कि अगर अल्लाह ताली ने आपको इतना कुछ दिया है तो उसमें आप लोगों की मदद करें सामने आए और अगर आप जानना चाहते हैं वेबसाइट भी हमने आपको दिखा दी है वेबसाइट पे जाके चेक करें लोकेशन जाके देखें अंदर जाके हॉस्पिटल देखें लोगों का इलाज देखें आपको अंदाज़ा होगा सीरियसली के इंडस हॉस्पिटल और, और सिर्फ कराची में नहीं हाँ सारे पाकिस्तान में जी मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ में लाहौर में बदीन में ग्वादर में कोयटा में गिलगित में जहाँ अलहदुल्ला पूरे पाकिस्तान में इंडस हॉस्पिटल फैला हुआ है तो आपकी तो आवाज़ सिर्फ कराची में नहीं सारे शहर सारे में जा रही है जी सब लिए सो यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब और मैं ब्रेक पे जाऊंगा ब्रेक से वापस आकर दीन और दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। जी दीन और दुनिया में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ डॉक्टर नजर साहब यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं कल हम बात कर रहे थे वॉइस पोल्यूशन की और उस पर काफी लंबी चौड़ी बात हुई आज घर के अंदर रहते हुए जो एयर पोल्यूशन होती है उसको कैसे सही रखा जा सकता है उस पर भी हम बात करेंगे वालेकुम वालेकुम सलाम uh, सबको बहुत रमज़ान मुबारक और आज हम बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं हमने बात की ग्लोबल रीजनल कंट्री की शहर की हमारा जो घर जिसमें हम रहते हैं उसके हम कितना कंसर्न है उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए इन्वामेंटल फुटप्रिंट के लिए और उसकी एयर क्वालिटी या उसकी हेल्थ के लिए तो हम एक दो प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि हम क्या हमारे वो लेंसेज़ हैं क्या हमारा वो विज़न है जिसमें हम अपने घर को जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनमें किन बातों का ख़्याल करते हैं और नहीं करते हैं तो किन बातों का ख्याल करना चाहिए इसी बिल्कुल ही मुंह पे आ रहा है मेरे देखिए हम आ, सारे आजकल जो लाइफ स्टाइल हो गया है वो हम आ, घरों को तोड़ के और फ्लैट्स बनने शुरू हो गए क्योंकि ऑब्वियसली जो अर्बन माइग्रेशन है या जो पॉपुलेशन का इंक्रीज़ है तो वो हमारी लिविंग डिमांड्स बढ़ा रहा है वो घर जिसकी रिक्वायरमेंट मे ख़ाल उसमें बारह पंद्रह लोग रहते थे एक तीन चार सौ गज का घर होता था अब वो मल्टी स्टोरी हो गया और है और आठ आठ दस दस फ्लोर बनते हैं उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उन घरों का यह है कि हमारे घरों में कोई ना कोई एक लाइट ज़रूर जल रही होती है और ओब्सली लाइट मीन्स हीट भी होती है और बहुत सारे घरों में बहुत सारी लाइटें ट्वेंटी फोर जलते हैं तो थोड़ा बिजली जिस हिसाब से महंगी हो रही है और जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा रिविज़िट करने की ज़रूरत है कि हम अपने घरों को कुछ इस तरह डिज़ाइन करें कि उसमें सन लाइट या डे लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन हो वेंटिलेशनस हों अगर वेंटिलेशन नहीं होंगी और सफोकेशन होगा तो बहुत सारी बीमारियाँ जिसके सांस की बीमारियाँ और आजकल जिस तेज़ी से बीमारियाँ बढ़ रही हैं आप छोटे यंग एज के लोगों को अर्थराइटिस हो रहा है इसके अलावा ब्लड प्रेशर डायबिटिक तीस तीस साल के लोगों को डायबिटिक भी है अर्थोराइटिस की बीमारियाँ ऑस्ट्रोफ्रोसिस हो रहा है तो ये सारा बेसिकली लीड करता है टू तो आर लाइफ तो मेरे ख़्याल है हम ज़्यादा जस्टिफाइड होगा अगर हम अपने लाइफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लें और हम अप्रिशिएट करेंगे कि अगर लोग हमें अपनी राय से और अपने सजेशन से अगर हमें मुफ्त आगाह करते रहें कि जी आपका घर जो है आपने कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो और वो हेल्थ फ्रेंडली भी हो तो एक तो आज कुछ एक दो दिन हम इस तरह बात करेंगे आज खास तौर पर जिस बात को हम बात करना चाहते हैं वो घर की सेफ्टी है आ, मुझे बड़ा सरप्राइज है और हम सबको होगा कि हमने कभी अपने घर को इस हिसाब से नहीं देखा कि उसमें सेफ़्टी डाइनमिक्स क्या है ख़ुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाए आग लग जाए तो क्या हमारे घरों में फायर स्टिंगस होते हैं क्या हमको ये पता है चलें घर में नहीं है तो क्या बिल्डिंग्स में है और अगर बिल्डिंग्स में है तो किसी को जलाना आता है मेरा ख्याल ये है आई एम नॉट रॉन्ग कि 90 परसेंट जो हमारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसमें कहीं इमरजेंसी एग्जिट का कोई प्रोविज़न ही नहीं होता तो क्या आप समझते हैं अगर नहीं है तो इमिजिएटली इस रमज़ानों में अपनी सेफ़्टी के लिए जो आपकी बिल्डिंग्स हैं या आपके घर हैं उसमें फायर एक्सटिंग्विशर का इंतज़ाम ज़रूर करिए और उसको चलाना सीखिए कि इन केस ऑफ़ इमरजेंसी मेरे अपने घर में आग लगी थी क्योंकि हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स थे तो हमें पाँच मिनट लगे बल्कि उससे भी कम हमने उस आग को काबू पाया मेन गैस लाइन में आग लगी थी आ, तो मेरा ये ख्याल है कि एक छोटी छोटी सी जो चीज़ें आज हम सीखना चाहते हैं एक और चीज़ जो हम निगलैक्ट करते हैं हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं हमने उन छोटे बच्चों के साथ कभी हमने अपना फ़र्नीचर लेते हुए अपने डेकोरेशंस करते हुए या अपने चीज़ों के साथ क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं चाहे वो बारह तेरह साल के हों या दो ढाई साल के बच्चे हों क्या हमने उनकी केयर के मुताबिक हमने अपने घरों को डिज़ाइन किया है क्या हमने वो फ़र्नीचर उस तरह ख़रीदे हैं क्या ये नोकदार ये जो साफ चीज़ है जब बच्चा स्क्रॉल करेगा तो इससे टकरा भी सकता है आपको मैं एक और बात बताऊँ दो एक्सीडेंट मेरी अपनी लाइफ में जो मैंने लोगों को देखा एक मेरे अपने साथ हुआ जो मैं बची हूँ हम जनरली ये करते हैं कि जब हम फिक्सेस लगाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस नहीं करते हैं हम मेंटेनेंस पे फोकस ही नहीं करते एक चीज़ तंगई टंगई लाइफ टाइम के लिए तो एक हॉस्पिटल मैं गई हुई थी मेरे अंकल का हॉस्पिटल था वह एक लड़की आई हुई थी यंग ऐसी कोई बीस बाईस साल की लड़की थी मैं उसका पूरा फेस जला हुआ था तो मैंने पूछा तुम्हारे तो साथ क्या हुआ कहती थी रमज़ान थे और मैं पकौड़े तल रही थी उसके ऊपर जो एग्जॉस्ट फ़ैन लगा था उसकी कीलें जो थी उसके जो स्क्रू थे वो लूज़ हो गए वो तेल में आके गिरा और स्लैश से उसका पूरा फेस वो जो जी हु लगा हुआ था नहीं उसका खाली कोई एग्जॉस्ट फैन था जो गिरा उसका तेल में गिरा आप मुझे बताएं क्या हमने आज का क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसको हमेशा मैं एक रिलीजियस प्रीच की तरह सेफ्टी को प्रीच करते हैं तो काइंडली अपने जो एग्जॉस्ट आपके लगे हुए हैं और जो चूल्हे आपके हैं उनको काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा बहुत सारी दफ़ा हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही होती हम खुल खोल के छोड़ देते हैं इनतहा डेंजरस है और इसमें आग भी लगती है फिर सिमिलरली एक हमारे मेरे अपने घर में एक नेकट मिरर था बड़ा सा बाथरूम के आगे वो लगा हुआ था और वो गिरा उसके भी जो मेटल के क्लिप्स थे वो रस्टेड हो गए और हमें पता नहीं चला और हमने उसको रिपेयर नहीं कराया वो पूरा गिरा अगर उस वक्त कोई वॉशरूम में होता तो आज वो इस दुनिया में नहीं होता तो मेरी एक खम्बल सी इस प्रोग्राम से रिक्वेस्ट ये है कि आज आप या आने वाले वक्तों में आप ज़रूर अपने घर को विज़िट करिए वो चीज़ें जो आपने काफ़ी दिन से टांगी हुई हैं उनको देख लीजिए उनकी कीले रस्टेड नहीं हो गई उनके फ्रेम्स को दे चेक कर लीजिए कुछ मैंने ये भी सुना है कि जी बच्चों के ऊपर फ्रिज और टीवी भी गिरे हैं ट्रॉलीज भी गिरी है, हाँ वो, जो टीवी हमने ऐसे होता है हाँ। वो बच्चों पे पे गिर जाता है स्पेशली जो स्टैंड्स रखे होते हैं हाँ। अब तो वॉल हैंगिंग आ गई हैं लेकिन उनके लिए कभी ये होता है कि डिस्टर्ब हो जाती पंखे हम कहते हैं पंखा गिर गया क्या हमने कभी उस पंखे की सर्विस कराई क्या हमने कभी उसके नट बोल्ट चेक कराए लाइटें गिर जाती हैं बल्ब चीज़ें तो मेरी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे आपको सरप्राइज होगा कि जो डोमेस्टिक uh, गिर जाती हैं एग्जैक्टली exactly, तो हमारे डोमेस्टिक सेफ्टी है ना उसके कोई बायलॉज नहीं है बड़े हैरत की बात है ना कि आप कोई चीज़ एक और हम बड़े शौक़ से स्प्रे करते हैं चाहे वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो बालों का स्प्रे हो दूसरी चीज़ हो उससे कितने आपकी सांस के साथ कितने मुजरे सेहत हैं अब तो बहुत सारे ऑफसलीट हो गए जैसे क्लोरोफ्लोरोबन होते थे ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसिस जो हमारे एयर कंडीशनिंग में काफ़ी यूज़ होते थे लेकिन हम जब सिलेक्शन करें शायद थोड़ा जेब पे भारी हो लेकिन अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें हमारे घरों में एक और चीज़ जो मिसिंग है सिर्फ फर्स्ट एड बॉक्सेस नहीं होते हाँ हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्सर नहीं बॉक्सेस नहीं होते वो आग बुझाने के लिए हमने वो नहीं रखा होता नहीं होते, यस। मतलब वो जरूरी है, है आप देखें कितनी शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है लोगों के बिजनेस तबाह हो रहे हैं घरों में छोटी मोटी आगे लगती हूँ और आप मतलब एक्सीडेंट्स जस्ट हैपन वंस इन अ लाइफ टाइम और वो बड़े डेडली होते हैं रोज़ एक्सीडेंट नहीं होते हैं। कभी होते हैं लेकिन वो बच्चे जल जाते हैं एक बच्चा था मेरे दोस्त का वो जो ट्रायंगल वाले ग्लास होते हैं उसके यहाँ घुस गया वो बस से उठा के वो बच्ची पकड़ रही थी उसके साथ वो गिरी और पूरा उसका जो गाल था वो काफ़ी डैमेज हुआ और वो बची थी तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मेरा ख़्याल है कि आप थोड़ा से देख लीजिए और हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत मंबल्ड हो रही है आवाज़ आपकी मेरी नहीं नहीं सॉरी मैं फैसल भाई से कह रहा था हाँ तो हम जो कोशिश इस पूरे प्रोग्राम में कर रहे हैं जहाँ हम ग्लोबल सेफ्टी की बात करते हैं ग्लोबल इन्वामेंट की बात करते हैं वहाँ हम अपने घरों को भी देखें तो आज हम खास तौर से सेफ्टी की बात करते जी, हैं जी बिल्कुल तो आप अगर इसमें कोई चीज़ आपका कोई एक्सपीरियंस हो या आप समझते हो नहीं देखें जब बच्चा चलना शुरू करता है घर में ऑब्वियसली हाँ। इस तरह के जो टेबल्स होते हैं उनके कोनों पे चीज़ें लगती हैं जिससे बच्चे को चोट ना लगे ज़्यादातर हमने बाहर देखा है कि सर्टन एरियाज़ में जो है वो आपको थोड़ा कालीन डालना पड़ता है कि बच्चा डायरेक्ट अगर ज़मीन पर ना गिरे थोड़ा सा कालीन का सपोर्ट मिल जाता है सो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें लोग करना चाहिए लोग करते भी हैं। एक और जो नहीं करते हैं जो हमारिया, मैंने किसी घर में देखा हो हमारिया नीचे स्विचेस लगे होते हैं। बच्चा निकाल नहीं सकता तो थोड़ी आगही इस बात की उसमें लगाती थी। क्या कभी, ये भी कर लीजिए जिस घर में आप रहते हैं और जो आपके साथ रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए दुपट्टे बड़े बड़े रेशमी आप छोटे स्काफ्स पहन लीजिए अगर सर पे दुपट्टा उड़ना है कॉटन का इस्तेमाल कर लीजिए कोशिश करें कि मतलब एक्सीडेंट से बचा जाए और अल्लाह ना करे जो एक्सीडेंट्स मैंने अपनी लाइफ में देखे क्योंकि मेरे अंकल का हॉस्पिटल था तो आई जस्ट विज़िट दिया वॉल्टरली मैंने बच्चों को देखा जिस तरह वो ट्रीट करते थे बर्न बच्चे आते थे लड़कियां खास तौर पे कपड़े पहन के रेशमी अगर वो किचन में जा रही हैं थोड़ी सी निगलिजेंस होती है तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है घरों का जो आप केमिकल्स लेके आ रहे हैं स्प्रेस कर रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा एहतियात से करें जब आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो छोटे बच्चों को उनसे दूर रखिए ठीक है थैंक यू सो मच मैम थैंक यू मुस्तकिल जी. मेरे कान में चीखे जा रहे हैं फैसल भाई ब्रेक है फैसल भाई ब्रेक है <laughs> okay, तो जी. मैंने कहा भाई वो बात मुकम्मल होनी चाहिए ना ऐसे थोड़ी ब्रेक ले सकते हैं थैंक यू वेरी मच फैसल और कल इंशाल्लाह हम और इस पे एयर क्वालिटी पे बात जी और हम वापस आएंगे हम मजेदार रफ्तार की तरफ बढ़ेंगे और फिर बच्चों से भी मिलते हैं मजेदार अफ़तार के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज क्या क्या बन रहा है वालेकुम। आज क्या बन रहा है आज बन रहे रहा नौर का चटपटे पकौड़े हाँ वो नूडल्स के साथ बनेंगे क्योंकि बेवक भूख का मैजिक सॉल्यूशन इट्स नोर ठीक है और इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ क्या क्या इसमें जाएगा इसमें जाएगा आपका बेसन है कॉर्नफ्लॉर है और आपका चिक पी फ्लावर मतलब वही बेसन का फ्लावर है और चिकन पाउडर है काली मिर्च का पाउडर है सोया सॉस है इसका एक डिप बनेगा जो कि हेलमेंस जो कि रेस्टोरेंट का सीक्रेट म्योनेस होता है हेलमेंस नॉर वालों का मतलब घर बैठे बैठे रेस्टोरेंट का मसा लीजिए लाइक बर्गर्स में सैंडविचेस में पकौड़ों में फ्राइज में सैलड्स में तो हेलमेंस का रेस्टोरेंट का फ्लेवर वाला बेस्ट म्योनेस तो इससे हम एक डिप बनाएंगे जिसमें हम चलिए गार्लिक सॉस उसमें जाएगा मेयोनेज जाएगा फिर का पाउडर है पिंच ऑफ सॉल्ट है ठीक है फिर इसमें जो हम कनोर के जो नूडल्स हम बॉईल करेंगे उसके साथ हम जो उसका बैटर बनाएंगे उसमें जो सब्जी जाएगी वो स्प्रिंग अनियन्स हैं गाजर है और शिमला मिर्च है तो ये हम सब इसमें ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम पैकेट खोलते हैं चटपटा नूडल्स का और इसमें हम तोड़ के डालेंगे इस तरीके से ठीक है हम एक और पैकेट लेंगे दिस इज माई फेवरेट चटपटा नूडल्स ये मेरे बच्चों का भी फेवरेट है मेरा भी फेवरेट है क्योंकि देखे ना अफ्तारी से शरी तक के बीच में जो बे जो टाइम होता है ना उसमें आपका ये बेवक वाला जो ये चटपटा नूडल है ना ये आप खाने में बड़ा मजा आता है अच्छा इसका हम एक साशे डालेंगे जो मसाला है ठीक है इसको हम बॉईल करेंगे टू मिनट्स इसको बॉईल करेंगे हम इसका भी फ्लेम थोड़ा सा ऑन कर देते हैं ताकि प्री हीट ऑयल हो जाए क्योंकि जब हम इसके फ्रिटिस बनाएंगे ताकि ऑयल थोड़ा हमें गर्म हो चलें जी इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं इतने ये बॉईल हो रहा है हम आ जाते हैं अपने बैटर की तरफ अच्छा हमने सबसे पहले चिकवी फ्लावर लिया इसके अंदर ये हमने इसमें ऐड किया ठीक है अब इसमें जाएगा कॉर्न फ्लावर इसमें फैर हम एड करेंगे ठीक है चिकन पाउडर जो कि असली चिकन का मजा चिकन पाउडर इसमें एड होगा ठीक है इससे आप कटलेट्स बनाइए शामी कबाब्स बनाइए और हमने तो कल दाल बनाई थी लिटरली यू वोंट बिलीव दाल में मैंने चिकन का क्यूब का क्यूब डाला था असली चिकन का मजा वो दाल में इतना मजे का हो गया वो मखनी दाल बनाई थी आई एडेड चिकन क्यूब वो इतने मज़े का हो गया पूरा चिकन का फ्लेवर फिर कल मैंने एक और चीज़ बनाई थी लाइक पालक पनीर तो पालक पनीर में भी व्हाट आई एडेड चिकन का क्यूब तो उस बिल्कुल चिकन का मज़ा आ गया था इट वॉज लवली एंड आई जस्ट लव नॉर चलिए जी ये हमने मिक्स किया ठीक है अब हम इसमें डालेंगे पानी ऐड करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा बैटर बनेगा ना ज़्यादा रनी होगा ना ज़्यादा स्टिकी होगा ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला ठीक है ये हमने इसके अंदर ऐड किया इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि लम्ब नहीं पड़े घुटलियां नहीं पड़े ठीक है थोड़ा सा और हम इसमें ऐड करेंगे यह पानी अच्छा अब इसमें जाएगा सोया सॉस ठीक है हमने सोया सॉस इसमें ऐड किया अराउंड वन टेबल स्पून से टेस्ट बहुत जबरदस्त हो जाएगा अच्छा मैंने इसमें नमक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया क्योंकि चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड किया उसमें ऑलरेडी नमक होता है तो नो नो नीड ऑफ एडिंग चिकन पाउडर सॉरी सॉल्ट चलें जी अब इसमें आ जाएंगी ये सब्जियां हमने शिमला मिर्च काट के रखी थी एक एक गाजर आ जाएगी इसके अंदर श्रेडिड ठीक है और ये आ गया आपका स्प्रिंग अनियंस अच्छा ये हमारे नूडल्स भी ऑलमोस्ट हमने इसको बॉईल कर लिया है दस टू मिनट्स ठीक है अब हम इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन करेंगे। इस स्ट्रेनर में हम स्ट्रेन कर रहे हैं इसको ताकि इसका जो एक्सेस ओह वो है पानी है वो निकल जाएगा। आराम से हम इसको और हम यही हमने फ्लेम ऑफ किया हम इसको यहाँ रख देंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे इस तरीके से Like this. इस तरीके से इसको साथ में मिक्स किया और ये जो हमारा चटपटा नूडल्स है इस और इसको आराम से फोल्ड करें ताकि इसको आराम से ये सारा जी यक जान हो जाए फिर हम इसको जब फ्राई करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी होगा चलें जी ये हो गया अब हम अपना करते हैं फ्लेम ऑन नहीं जी हम अपना फ्लेम ऑन कर दिया अच्छा इतने ही ये थोड़ा ऑयल गर्म होता है हम इसका बना लेते हैं एक डिप ठीक है इसमें जाएगा हेलमेंस नारका हेलमेंस का म्योनेस जाएगा इसमें अराउंड वन कप ठीक है इसमें वन कप हेलमेंट का म्योनेस गया इसमें जाएगा नॉर्का चिली गार्लिक सॉस ठीक है ये गया पिपरी का पाउडर पिपरी का पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट ये हमने इसके अंदर ऐड किया इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये बहुत मजे का डिप बन गया हमारा ठीक है यह हमारा डिप बन गया और हम जो है ये डिप इसके अंदर हम इसको सर्व करेंगे ठीक है यह हमारा डिप रेडी हो गया हम इसको इधर रख देते हैं और चले हमारा ऑयल भी रेडी है ऑलमोस्ट इट्स प्री हीटेड तो हम आ जाते हैं अपने फ्राइंग की तरफ देखिए इस तरह से हमने फ्राई करना है बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची पकोड़े इसके बनेंगे बहुत मजे के हम इसमें डालते रहेंगे और आज हमारे किचन की रौनक है लिप्टन लेकिन लिप्टन इनकी जबरदस्त पैकिंग, खूबसूरत इनका जार जार ऑफ जॉय, इट्स लवली अम्मियों की या हमारी हमारी अम्मियों की सबकी फेवरेट क्योंकि आपको आप, आपने अक्सर देखा होगा किचन में पुराने लाइक like, कैबिनेट में सबसे बेस्ट जो तो पार्ट होता है अम्मियों का वो होता है पत्ती का जार चाय का कि वो क्या है वो जो होता है पुराने किस्म के जो होते हैं लेकिन लिप्टन ने हमें दिया है कुछ खास इनकी ज़बरदस्त खूबसूरत पैकिंग जिससे किचन में रौनक हो जाती है कैबिनेट्स में रौनक हो जाती है क्योंकि दिस इज़ वेरी डिफरेंट गोल्डन सा खूबसूरत सा और इसमें तो चाय की पत्ती रखने में भी मज़ा है, इसको तो सर्व करने में भी, भी मज़ा आए दैन तो फिर ये प्लीज इट्स लवली आई जस्ट लिप्टन चले जी अम्मियों की जान अम्मियों के लिए भी आसानी हो गई हमारे लिए भी आसानी हो गई वो पुराने जार कम अज़ कम निकाल दिए जाएंगे अब किचन से तो अब ये वाला जार आ गया है जार ऑफ जॉय चले जी ये हमारा इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया यह हो गया हमारा एक और हम इसमें ऐड कर देते हैं अच्छा ये बड़े मज़े के क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि नूडल्स बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं क्रिस्पी एंड क्रंची क्योंकि ऑफकोर्स किन्नौर का केचप हो गया चिली गार्लिक सॉस हो गया मेयोनेज हो गया हेलमेंस तो ये तो बिल्कुल कहते हैं ना दस्तर खान का आपके पकौड़ों का आप लोगों के लाइक कुछ भी आप लोग फ्राइड आइटम्स खाते हैं उनका बेस्ट पार्टनर ये हो गया हम इसमें और डाल देते हैं चले जी ये हो गया खुशबू इतनी अच्छी आ रही है अरोमा इतना अच्छा आ रहा है और मज़ेदार बात क्या है इसमें चिकन का फ्लेवर भी आएगा बिकॉज हमने चिकन पाउडर इसमें ऐड किया हुआ वा है वालों का अच्छा जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं फ़ौरन चमचा बिल्कुल नहीं चलाएं लेट देम फ्राई एक से डेढ़ मिनट तक ताकि वो नीचे से थोड़ा सा, सा फ्राई हो जाए तो वो खुद ही ऊपर आ जाते हैं अब वो हो हो गए चिकन वट एवर यू आर फ्राइंग हमेशा चमचा बाद में चलाएं वरना उससे क्या होता है बैटर इधर उधर फैल जाता है ऑयल में एंड दैट इज नॉट गुड ऑयल भी आपका खराब होगा और फिर फ्राइड वाली चीज़ भी सही नहीं होगी बिल्कुल सोक कर लेगा ऑयल चले नॉर् पकौड़े हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो रहे हैं एंड इनका क्रिस्पीनेस बिल्कुल मुझे यू नो आई कैन फील ये जरूर ट्राई कीजिएगा दीज आर लवली डिफरेंट वेरिएशंस किया कीजिए विद द डिशेस विद योर रेसिपीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाए करें रोज एक ही जैसे पकौड़े या एक ही जैसे समोसे नो no, चेंज करें थोड़ा सा अपने जैसे मैंने अभी देखे चटपटा नूडल्स बने इसमें ऐड बन गए इतने क्रिस्पी होगा मजे का होगा डिफरेंट हो जाएगा मेहमानों के लिए भी अच्छा होगा वो लोग भी कहेंगे कि, कि से बनाए गए हैं वरना रोज आलू के इसके चले जी ऑलमोस्ट ये रेडी है हमारे पकौड़े थोड़े से गोल्डन ब्राउन होंगे तो फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे मैं यहाँ पे किचन ये हमारे ऑलमोस्ट फ्रिटर्स रेडी हैं इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना होगा ये देखें ऑलमोस्ट डीज आर रेडी टू सर्व अब मैं इसको निकालती हूं ये देखें ये हमने अपने फ्रिटेस हमारे रेडी हो गए चटपटा पकौड़े नूडल्स के ये देखें इनका कलर देखिए इनमें रेड भी आ रहा है ग्रीन भी आ रहा है लाइक गोल्डन ऑल मिक्स टुगेदर ना तो ब्यूटीफुल लग रहा है आई कैचिंग बनाइए हर खाने को वट एवर घर का खाना हो बाहर का खाना हो जो भी हो इसको तो आई कैचिंग हमेशा बनाएंगे तो क्यों ना सबसे पहले आंखें देखती हैं तो फिर हम लोग टेस्ट की तरफ जाते हैं चलें जी ये हमारे चटपटा नूडल्स से हमने बनाए हुए पकौड़े हमारे रेडी हैं नॉर के सो डू ट्राई और इसका डिप बहुत मजे का बना ज़्यादा पकोड़े बनाए ज्यादा बन रहे बहुत ज्यादा बनेंगे दो पैकेट्स में हाँ तो सही है ना वो जी, सभी खाते है exactly. एग्जैक्टली <laughs>

और फिर मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया आ जाते हैं हम इसके डिप की तरफ डिप में मैंने हेलमेंट्स का मेयोनेज़ लिया वन कप पेपरी का पाउडर लिया ठीक है पिंच ऑफ सॉल्ट एंड मैंने लिया इसमें uh, पेपरी का पाउडर पिंच चिली गार्लिक सॉस नॉर का हमने इसको मिक्स किया तो हमारा ये डिप बन गया और हमारे ये फ्रिजेस भी रेडी हो गए नॉर के क्या बात है हम जा रहे हैं ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं जी अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर हम आप सबको खुश आमदेद हैं प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे मेहती गलिया के साथ मौजूद हैं हैं बेतहाशा भी मौजूद आज आप लोगों के लिए कैसे हैं सब ठीक ठाक है? जी, जी, हैं जी आज आप बताएं आप क्या सवाल लेकर आई हैं कोई मुश्किल सा मेरे लिए मैं भी सवाल हां। वो चीज नमाज हमारे लिए नमाज़ पाँच टाइम फर्ज है और अगर हम लोग नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ पाए तो हम लोग बैठ के पढ़ सकते और अगर हम लोग बैठ के, के नहीं पढ़ पाए तो लेट के पढ़ सकते और अगर हम लोग लेट के नहीं पढ़ पाए तो हम लोग इशारा करके पढ़ सकते हैं और इसलिए नमाज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और नमाज नमाज और नमाज पढ़ने से अल्लाह की रहमत होती है जी आप पढ़ नमाज हाँ पढ़ती हूँ अच्छा औ, और और नमाज हमें कोई बुरे काम से बचाती है बचाती है सही बोला और साथ में और साथ में और साथ में फैसल भी आपको पता है कभी कभार ना मैं अपने घर में भी नमाज पढ़ती और मस्जिद में जाके भी वेरी गुड बहुत अच्छी बात है क्या बात है भाई को दीजिए भाई मैं बोल रही हूँ तो वो, 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 कौ, वो कौन सा मोबाइल है जिसके अंदर सेम नहीं, नहीं होती ये वाला वो चलता भी नहीं है इसके अंदर सेम नहीं है नहीं वो चलता भी नहीं है वो बच्चों का मोबाइल हाँ बच्चों के मोबाइल में सेम नहीं होती और वो चलता भी नहीं है है? वाला बोल दे। अच्छा वो पुलिस वाली मोबाइल होती होगी हाँ वो हाँ ठीक है जी भाई को दे दो जी अस्सलाम वालेकुम बड़ी प्यारी वेस्ट कोट पहनी हुई आपने थैंक यू आज मैं आपको सूरह फातिहा सुनाऊंगा माशाल्लाह सुनाइए आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान रहीम मालिक युमिद्दीन इया कनाबुद व इया कनस्तईन अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अलमता अलैहिम गैरल मग्दूब अलैहिम वलाज़ालिम आमीन आमीन आमीन, आमीन। खुश रहिए खुश रहिए सौसन आप क्या सुना रही हैं हमें आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी लो पहली पूछो अच्छा बताएं इंसानी जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसपे चोट लगने पर वो सबसे जल्दी ठीक हो जाता है बहुत आसान है मुंह जबान हैं ज़बान हाँ चोट तो नहीं लगती उस पर जैसे वो, वो दांत में दांत में अक्सर आ जाती है जबान कट जाती है चूँकि ये जो हमारे मुंह के अंदर लुबाब होता है ये जब हम सुबह सो के उठते हैं तो इसके अंदर ऐसी खासियत होती है कि ये अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि निकाल के दाने पे लगा लो ये हकीम साहब कभी आएंगे मैं उनसे पूछूंगा ये भी लोग कहते हैं हालांकि बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन कहते हैं उससे दाना सही हो जाता है, और एक और पहली है। जी। आप क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारी नाक है उसके साइज के बराबर का कौन सा बॉडी ऑर्गन है एक और बॉडी ऑर्गन होता है जो हमारी नाक के साइज का होता है कौन सा होता है वो हैं आ, बहुंत? कान नहीं फिर अंदर होता है ऊपर ऊपर होता है ऊपर ऊपर बताऊ उंगली अंगूठा जी आप यहाँ पे अंगूठा आपकी नोज के बराबर हो गई है हाँ लेकिन ये टीपू के लिए नहीं जाता ये और मैं आपके लिए गिफ्ट हाँ। भी लाई हूँ रमजान का अरे थैंक यू थैंक यू।, यू सो मच थैंक यू सो मच इतना प्यार सा गिफ्ट लें यार ये चश्मे की बात कर रहे थे हम दोनों जरा फैसल भाई मैं आपको एक नाक सुनाऊंगी हाँ नाथ। इजाज भाई की नाक छोटी अंगूठा बड़ा उनके वहाँ मैं आपको एक नाक जी सुनाए लाखों सलाम पिला गोसलाम मोहम्मत जान रह पिला सलाम फ़ीरों के आकापे मैं बस दूर हम के फ़की सुबह अल्लाह सलाम सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह ये चश्मा आपने कहाँ से लिया है? ये? मैं, मैंने आप पार्लर के करीब से लिया मैंने पार्लर के करीब से हाँ आप पार्लर भी जाती हैं? जी बाल कटवाने हाँ फेशियल तो नहीं करवाती मेहंदी लगवाई माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है आप कितने साल की हैं वैसे चार, चार के लिहाज से बहुत आगे नहीं है जी मैं आपको ना आपकी मुलाकात करवाऊंगा अपना क्या कहते हैं सैटरडे को उसको देखना बिल्कुल ही बंद हुआ है वो हाँ अभी इनको सुनाने दें कुछ सुना रही हैं हमें जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी माशाल्लाह सुनाइए क्या हुआ आपको आप आप रो क्यों रही हैं क्या हुआ मामा मामा पास जाना हाँ अल्लाह बेबी रो रहा है कौन आया इसके साथ भाई इतना सब बेबी रो रहा है हमारा मामा पास जाना आपने आपने कुछ सुनाना था आपने डोनट खाना है डोनट बड़ा मजे का है ये है ये वाला डोनट हाँ। भाई। जी पता सवाल पूछना उसने है उसने कोई पता है? हाँ ये बहुत डेंजरस है आपको पता है एक अंकल थे वो किसके साथ आए थे उनका गला कट गया हाँ अच्छा हाँ बेटा वो उस पर तो हम बात भी कर रहे थे और वो बहुत डेंजरस है अगर आपको पतंगे उड़ानी है देखें पहले ही जो है वो बैन हो चुकी है पतंगबाजी उसके बावजूद अगर ये आप केमिकल से भरी जो है वो पतंगे उड़ाएंगे तो किसी के हाथ काट सकते हैं गर्दन काट सकती है वो बच्चा जिसका जिसकी गर्दन कटी है वो उसकी शादी थी शादी के तीन दिन है अच्छा गला बहन को दे माइक वसीम भाई जी उस वक्त तो मैं थी चार साल की हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन ये भी माइक देना क्या कह रही हो ये मेरी दोस्त है हाँ। और ये उसकी बहन है ये आपकी बहन है तो ये रो रही है इसको बाबा चाहिए ना ताहिर मामू आए हैं हमारे साथ अच्छा इसके बाबा इन दोनों के बाबा है मेरे मामू है अच्छा आपके मामू हैं वो हाँ। तो कहाँ चले गए आपके मामू अच्छा वो रहे मामू ये रो रही है आप 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 कुछ कहें इनको कि ताकि रोए ना उनको बाबा के पास जाना है ना अच्छा आप मामा तो घर पे अच्छा मामा घर पे आप कुछ सुना रही हैं हमें आपका नाम क्या है अभिया फातिमा अभिया जी आप कुछ सुना रही हैं मैंने आई हैव अ स्टोरी यू हैव अ स्टोरी

Once upon a time then, I'm gonna tell you the story of the dog and the tiger. Dog and the tiger? Oh wow, Kutta or Cheetah? <laughs> no, tiger. Acha tiger? Shail. Once upon a time. <laughs> Acha I'm sorry, I'm sorry. Nahin disturb karunga. Beech mein Today I will tell you the story of the dog and the tiger. Once upon a time, the dog was walking in the forest and then he saw a tiger. The tiger saw him and the tiger started chasing the dog. The dog was fast but the, child, but the tiger was catching up. So the dog got in his house and then the tiger caught him but the dog was already in his house so the tiger was going trying to get inside but he was too big so he got back in his jungle. चलो शुक्र है कुत्ता बच गया ना अच्छा, अच्छा शुक्र चलो ठीक हमारे रोज चिपकली आती है चिपकली हां अच्छा आप क्या सुना रही हैं है हमें साल के मौसम अच्छा बताएं साल के मौसम मौसम चार सर्दी गर्मी خزاں بہار सर्दी में मेवे खाते हैं خزاں में प... गर्मी में रोज नहाते हैं خزاں میں ते झड़ते हैं बाहर में फूल खेलते हैं वाह 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 क्या समप किया है भाई पूरा हैं आपकी आंखें आपको सब लाल लाल दिख रहा होगा चश्मा लगाए? दिख रहा तो है सब लाल सब लाल लाल दिख रहा है वाह सादा पानी भी आपको लग रहा होगा लाल शरबत है बात नहीं रहा शरबत ही जी अभी है जी मेरी बहन है ना आपकी बहन भी है हा? बड़ी है चोटी है चोटी है छोटी 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 कितनी बस एक एक एक, है। एक साल घर 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 पे 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 वो भी घर पे, अम्मी भी घर पे है। हाँ, अम्मी भी अरे ले ना। आते ना तुम उनको क्यों छोड़ के आ गए? मेरे मामा ने सेंड किया मैं क्या कर सकती हूं। मैं मुझे टीवी वन जाना पड़ता है। मुझे बताया टीवी तो मैं जल्दी जल्दी ये कपड़े मांगे बट मामा ने चूज किए मैंने चूज नहीं किए आपने कुछ और पहनने थे मैंने कुछ नहीं चूज किए मेरी मम्मा ने सब चूज किया है अच्छा एक मिनट दिखाना जरा इससे भी पूछूं कुछ आपका नाम क्या है नहीं। आप आपका क्यों बोल नहीं सकती आपका नाम क्या है हैसल भाई हाँ ये बोल नहीं सकती ये बस दो की है तो दो की बोलती है मतलब बोलो ए बोलो घर में ही पढ़ रही थी एबीसीडीकेएफजी और गाड़ी में ही भूल गई गाड़ी में भूल गई मैं याद दिला देता हूँ मैं तो कोशिश तो करता तो हूँ बहन आप कोई सवाल पूछना चाह रही थी सॉरी एक कमरा है हाँ वो है ना बाहर से ग्रीन है और अंदर से लाल है और उसमें काले काले चोर बैठे हैं गोल कमरा है गोल जी क्वेश्चन आई है क्वेश्चन जी जी अ क्वेश्चन इज टू टू सर्कल टू रेड सर्कल्स हियर हम टू ब्राउन ब्रांचेस स्टिक टूगेदर एंड ग्रीन ऑन द टॉप फूल नहीं फिर क्या है? चेरी ओ oh, चेरी ओके बहुत मजे के होते हैं गोलगप्पे आपने कुछ खाना अच्छा भाई तो ये भाई इनका तो मूड बहुत चुने खराब चुने है. है इनको हम ये आज हैप्पी की तरफ से बड़ी जबरदस्त ट्रीट आई है जी हमारे पास ओए होए 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 ये डोनट्स आए हैं सो तो ये हैप्पी की तरफ से ये आपके लिए ये आपने खाने ऑन एयर मत खाइएगा बेटा बच्चे भी हैं तो क्या हुआ लोग नाराज़ हो जाते हैं ये हैप्पी की तरफ से ये ट्रीट आपके लिए ये हैप्पी की तरफ से ये ट्रीट आपके अरे आपके लिए सॉरी ये हैप्पी की तरफ से ये ट्रीट आपके लिए ये आपके लिए ये लीजिए होए होए आप तो नहीं खाती ना आप तो डाइट कर रही हैं है? खाती हैं आप तो आप डाइट नहीं कर रही जो बोलेगा उसको नहीं दूंगा ये हैप्पी की, की तरफ से ट्रीट आपके लिए ये हैप्पी की तरफ से ट्रीट आपके लिए और ये अहसनल कलाम की तरफ से एक बड़ा जबरदस्त टैबलेट है जी आ, मेरे पास बच्चों की दीनी और अखलाक की तरबियत के लिए बेहतरीन डिवाइस है और ये किसको जाना चाहिए ये किसको आज जाना चाहिए देखिए मिलना तो सब बच्चों को है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है तो आज हम ये देते हैं जिसने नहीं बोला वो है हमारी प्यारी सी कहने नहीं कब बोला आपने जी बोला जी था ये तो ये मैडम मसला मसला हम ब्रेक के बाद हल करते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो जी बहन चॉकलेट वाली चीज नहीं पसंद आपको अरे यार चले इसमें दूसरे भी हैं आप ट्राई कीजिएगा वो चॉकलेट नहीं है सिर्फ बीच में कैरमल भी है बीच में और दूसरे भी हैं मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं ये बड़ा मसला आ गया है यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला आ गया भाई। जी सलामकुम जी जेर जबर में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ और हमारे जज साहबान यहाँ मौजूद हैं असल मैं आपको भी खुश आमदेद कहता हूँ तीनों को और तबीयत कैसी हैं ठीक है और हमारे साथ तीन पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं अदील ख़ान हैं कराची यूनिवर्सिटी से आपको खुश आमद कहते हैं अतियातर्रह्मान हैं दाऊद यूनिवर्सिटी से आपको भी खुश आमदीद कहते हैं ज़ियार्रहमान है एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद से फैसलाबाद से आएँ आप बैन बिछे कोई जुगता ना ला देना साम लोग जो गलती हो जाए थे एनी anyway, वे uh, कल हमने एक सवाल किया था आपसे कि हजूर अकरम सल्हु वसम ने कितनी बार उम्र अदा किया तो कल के सवाल का जवाब है कि हज़ूर अक्रम सल वसलम ने कुल चार उम्र अदा किए थे और आज का सवाल सुन लीजिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज का सवाल है इस्लाम से पहले खाना काबा के गिर्द कितने बुध थे इस्लाम से पहले खाना काबा के गिर्द कितने बुत थे सही जवाब देने पे डेल और एम एन पी की जानब से आप लोगों के लिए लैपटॉप है जो सत्ताईस रमजान पे क़ुरानदाज़ी के तहत दो खुशनसीब को मिलेगा और उसके साथ जो ज़ेर ज़बर के हमारे विनर होंगे उनके लिए बाइक है लैपटॉप है और एलईडी और बहुत सारे इनामात हैं इस टूर्नामेंट के लिए जो कि ओजी डेवलपर्स की जानब से हैं ओजी डेवलपर्स का कहना है क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट सो थैंक यू ओजी डेवलपर्स आप हमारे विनर्स के लिए इतना कुछ अरेंज कर रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ हैं वो दिखाई जाएंगी कुछ पिक्चर्स हैं वो दिखाई जाएंगी पहला बज़र राउंड है और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे बज़र राउंड में प्लस टेन और माइनस टेन है ठीक है बज़र दबाना आपने तब है जब सवाल पूछा जाए ठीक है सवाल पूछने दीजिएगा आप वीडियो देख के बजर दबा देंगे मेरा सवाल कुछ और होगा तो आप लोग फंस जाएंगे पहले हम आपको ऑडियो सुना रहे हैं ठीक है जी लाइए जी अच्छा पहले वीडियो कर रहे हैं लाइए वीडियो दिखाइए May go and hit the the fence. Does it it have the legs? No, stops. कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा वो समझेंगे और कुछ नहीं होगा दिखाइए जरा वीडियो आउट हो, हो जाएगा कैसे Run out हो जाएगा. अच्छा चले दिखाए ओय दे थिंकिंग दैट इट्स या दैट्स आउट दैट इज वेल ऑफ स्वीप ये याद है मैच आपको mm -hmm. क्या बात है पाकिस्तान जी बिल्कुल सही जवाब है रन आउट हो गया था बैट्समैन uh, कौन थे जो कौन है ए अजर बिल्कुल सही जवाब नॉन स्ट्राइकर एड पे कौन थे बी शफीक असद शफीक ठीक है जी uh, दोनों बैट्समैन रुक क्यों गए थे जी ए उन्होंने समझा फोर हो गया जी बिल्कुल हरीफ टीम कौन सी है बी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब बॉल किसने ए लॉयन गलत जवाब मिचेल स्टार जी आ, कुछ सवाल पूछूंगा आपसे ये भी बजर राउंड है सवाल है हजरत इमाम अली सलाम के बड़े साहबजादे का नाम बी हजरत इमाम हसन रसी बिल्कुल सही जवाब हजरत इमाम हुसैन सलाम कब पैदा हुए कौन है बी आप पंद्रह को पैदा हुए बिल्कुल सही जवाब हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह कितने अरसे तक खलीफा रहे बी छह महीने बिल्कुल सही जवाब जी ऑडियो मेहनत की थी अठारह अठारह घंटे बीस बीस घंटे काम करते थे और मैं तमाम चीज़ें छोट बड़ी आजाद नौकरी वगैरह पाकिस्तान आया था बाद जो हमारा हशर हुआ था तो मैं कभी भूल नहीं सकता था और मैंने उनको ये बना दूँगा तो उन्होंने पूरी मुझे तमाम सहूलियतें दे दी और, और मुझे ये काम जो था मेरे सपोर्ट का आपने जो सा रिसेंटली अब्दुल बिल्कुल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बिल्कुल सही जवाब इस वीडियो में एटम बम की बात हो रही है पाकिस्तान एटमी ताकत कब डेट मई बिल्कुल सही जवाब 28 मई को क्या दिन मनाया जाता है ए बिल्कुल सही पाकिस्तान ने किसका माइक नहीं चल रहा ए का माइक नहीं चल रहा अच्छा जी हैंड माइक दे दें जरा मैं रिपीट कर दूंगा अगर सही जवाब होगा तो बिल्कुल सही जवाब दिया था आपने पाकिस्तान ने एटमिक धमाके किस मकाम पे किए सी चागी बिल्कुल सही जवाब चागी किस सूबे में है सी बलूचिस्तान बिल्कुल सही जवाब किन दो शहरों में दूसरी जंग अजीम के दौरान एटम बम गिराया गया कौन है हिरोशिमा नागासाकी। बिल्कुल सही जवाब अब्दुल कदीर खान साहब का इंतकाल कब हुआ सी अक्टूबर 2021। बिल्कुल सही जवाब क्या बात है अब चलेंगे हम फिर वापस सवालों की तरफ हजरत इमाम हसन सलाम को कैसे शहीद किया गया बी जहर देने की वजह से बिल्कुल सही जवाब हजरत इमाम हसन अल्लाम कहाँ मुद्दफन है जन्तुल्बकीम है शहर वही है ठीक है हजरत इमाम हसन सलाम की उम्र शहादत क्या थी कौन है बी पैंतालीस साल बिल्कुल सही जवाब जी हजरत इमाम की नस्ल में से कौन सी शख्सियत कराची में दफन है जी बिल्कुल सही जवाब बांग्लादेश का योम आजादी कब मनाया जाता है ए माइक आपके पास है माइक में बोल देना और दिसंबर में मनाया जाता है गलत जवाब तेईस मार्च को पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को एक आजाद रियासत तस्लीम किया बिल्कुल सही जवाब कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई जाएंगी और वो तस्वीरें देख के आपने हमें बताना है कौन है कहाँ है क्या है पहली तस्वीर ए के लिए कौन है भाई ये ऑस्ट्रेलिया के अंपायर हैं नाम याद नहीं आ रहा बड़े मशहूर हैं यूं यूं करके इनका हाथ जाता है चौके भी जरा अलग अंदाज से देते हैं जरा यूं यूं करके बिली बाउडन नाम है ना क्या नाम है आ, बिली।, बी, बिली बिली बाउडन जी अगली तस्वीर ये क्या है भाई क्रिकेट सही जवाब अगली तस्वीर राशिद मिनास बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब अब आपकी बारी है जी बैट चमगादड़ बिल्कुल सही जवाब श्रीलंका से ताल्लुक है नहीं कुमार धर्मसेना जी अगली तस्वीर निशान हैदर हाँ कम उम्र हैदर नहीं वो हो गए वो तो आलम थे। थे। नहीं, नहीं 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 मेजर है मेजर अजीज, मेजर अजीज जी अब आपकी बारी है अलीम बिल्कुल सही जवाब द मैन विद error मेजर तो फैल नहीं 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 राजा मोहम्मद सरवर साहब नहीं, नहीं।, तो नहीं। बिल्कुल सही है यार हाँ इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो मकड़ी मकड़ी है जी अब हम बढ़ेंगे जरा वन बाय वन ठीक है रैपिड फायर Uh, नहीं सवाल समझ में आए पास कर देना डोंट टेक टू मच टाइम ठीक है मैं जल्दी जल्दी सवाल करूंगा एक हाथ मिनट में ऊपर दे देता तो हूँ माइक अपने हाथ में रखना थ्री टू धूप में बैठने से इंसानी में कौन सा वाइटामिन पैदा होता है बिलहज रकबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है कराची यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली खातून सदर का ताल्लुक किस मुल्क से था न्यूजीलैंड अर्जेंटीना मशहूर मकाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अमेरिका के किस शहर में वाक है वॉशिंगटन डीसी लॉस एंजलिस एफ आई आर किन अल्फाज का मुख है दारकूमत का नाम बताए सिडनी ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया सॉरी ऑस्ट्रिया के दारकूमत का नाम बताए uh, अरबी जबान में हरेरा हु के क्या मायने हैं पास बिल्ली का बच्चा हकीम उल आमद किस शायर का लकब है फैज अहमद फैज अलामा इकबाल आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मेज़बान रसूल अल्लाह किस सहाबी को कहा जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान रसूल अल्लाह किन सहाबी को कहा जाता है पास सारी रजी अल्लाह जी, तैयार हैं आप जी पाकिस्तान की बुलंद तरीन शाहरा का नाम बताए शाहरा करंसी का नाम बताएं। दिनार। रियाल खुद सुखन उर्दू के किस मुंसानी जिसम की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है कान की बिल्कुल सही टी ट्वेंटी क्रिकेट में कौन से रंग की गेंद इस्तेमाल की जाती है राइट द बिल्कुल सही पोलैंड के दारो का नाम बताएं वारसा रख्ता किस ज़बान किस ज़बान को कहा जाता उर्दू। है उर्दू बिल्कुल सही जवाब अमेरिकी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम बताएं सीआईए बिल्कुल सही क्या हजरत अब्दुल रहमान बिल ऑफ़ रजी अल्लाह तआला अनहा मुबशरा में शामिल थे बिल्कुल सही ईसीजी के इन अल्फाज का मुकफफ है कार्डियोएक्सीलेटेड पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम असदुल्ला किन सहाबी को कहा जाता था हजरत अली रजी बिल्कुल सही जवाब शार दस्तूर पाकिस्तान की किस शहर में वाक है इस्लामाबाद बिल्कुल सही जवाब जी अब बारी है दोस्त आपकी समझ गए हैं आप के वक्त ज्यादा नहीं लेना जवाब देने में मैं समझ सकता हूँ रोजे की हालत में जरा ऑक्सीजन कम जा रहा होता है ब्रेन में क्योंकि पानी नहीं हम पी रहे होते तो थोड़ा टाइम लगता है बट ज़रा सफर करके तो नहीं आए ना आज नहीं कल आए थे ना हाँ जी दो दिन पहले आए दो दिन पहले हाँ आए थे थोड़ा आराम किया हुआ हाँ जी टेंशन नहीं है कौन सा पैदल आये हो जी रेडियो रहीम भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस का नाम बताओ सही टेस्ट क्रिकेट में कौन से रंग की गेंद इस्तेमाल की जाती है बिल्कुल सही जवाब हमार फारसी में किस आ, को कहते हैं हमार गधे को बिल्कुल सही मशहूर सड़क वॉल अमेरिका के किस शहर में वाक है न्यूयॉर्क बिल्कुल सही दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का ताल्लुक किस मुल्क से था अमेरिका श्रीलंका यूक्रेन के दारकूमत का नाम बताए बिल्कुल सही क्या हजरत बिलाल हफी रजियाल तलाशा मुबश्रा में शामिल थे नहीं बिल्कुल सही ओमान की का नाम बताएं। रियाल। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है बिल्कुल सही अक्रम की मशहूर ऊटनी का नाम बताए बिल्कुल सही जवाब और रिजल्ट क्या है ये अब हम जानेंगे जरा मेरे ख्याल से अरीब करीब का रिजल्ट लग रहा है मुझे सो so, हम ब्रेक ले लें या अभी हम बता रहे हैं बताइए फौरन बताइए हमारे पास भी टाइम नहीं है बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ है बड़ा अरीब करीब का मुकाबला है कुछ में आप आगे रहे कुछ में ये आगे रहे कुछ में आप आगे रहीं। लड़कियों में आ, हम चाहते हैं कि अभी तक कोई लड़की जेर जबर में इतना आगे नहीं गई है ना हम चाहते हैं कि आयशा गई है हाँ ए, एक लड़की है सिर्फ अभी तक तो so, हम चाह रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के भी हमने ऑप्शन रखे हुए तो टीम ए है अस्सी पे टीम बी वन एटी पे और टीम सी वन सेवेंटी पे वेरी क्लोज कॉल वेरी वेरी क्लोज कॉल आ, जी आ, दोस्त आपके साथ और हर्बियन के गिफ्ट एम्पस जाएंगे आपने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था लेकिन आ, फिर कुछ आप स्लो होते चले गए आ, हो जाता है कभी कभी इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम क्विज़ का गिफ्ट है दोस्त आपके साथ जाएगा और साथ में हरबियन का गिफ्ट हेम्पर आपके साथ जाएगा uh, आप बाहर आ जाओ uh, आपके साथ ये ओजी डेवलपर्स का गिफ्ट हेम्पर है और उसके साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का एक लाख रुपए का uh, ये uh, पूरी फैमिली का आपका पैकेज है ये आपके साथ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन और हम जाएंगे ब्रेक पे और आप जाइएगा वाटर पार्क हमें याद कीजिएगा ठीक है जी हालांकि हमारे जजेस को भी मिलना चाहिए यार जी हाँ वालेकुम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं हमारे जज साहबान यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ मुझे कुछ कहना है मैं तीन आज पार्टिसिपेंट्स हैं जामिया यूसुफिया उकाड़ा से हमारे साथ हरीम फातमा हैं फ़कीर मोहम्मद माका रॉकफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल जाम शोरों से हैं क्या बात है यार और हरम फातमा जी और महानूर हैं द फॉबल्स स्कूल से आप तीनों को मैं खुश आमदेद कहता हूँ सबसे पहले हरम फातमा से हम कहेंगे जो उकाड़ा से आई हैं आप उकाड़ा से आई हैं क्या बात है सलामैकम हाँ वो दट आप कब आई हैं ट्रैवल करके थोड़े दिन हो, हो गए ना अभी मतलब आज तो नहीं आई ना और थकी भी नहीं है बच्ची हम ये जानना चाह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है जी आप बिस्मिल्लाह करें और आज का टॉपिक बड़ा मजे का जवानों को पीरों का उस्ताद कर वाह वन ऑफ माय फेवरेट थिंग जी बिस्मिल्लाह नमाज़े अश्छ मस्जिदों में अदा हो चुकी सूरज जमीन पर बहते लहू की सुर्खी अपने अंदर समोए आसमान की नीलगों में उतरने को तैयार है कि इतने में मौत का पैगाम देते हुए एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है इन्ना लाही व इन्ना ही राजदर अली वकार आखिर इतने में दरवाजे का कुफल खुला और कुफल खुलते ही स्टेचर पर मौजूद लाश बरामद हुई वो लाश कि जिसको नामालूम अफराद ने नामालूम मकाम पर नामालूम वजह पर नामालूम तादाद में गोलियां बरसा बरसा कर उसका सीना छलनी छलनी कर दिया और उस लाश के बेजान लबों से ये सदा सुनाई देती है कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर नया जमाना नई नई सुबह शाम पैदा कर खुदा अगर दिले फितर शनाज दे तुझको सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर सदर वकार मुझे आज़ादी की नेमत दिलाने वाले मेरे जान सारों ने अपनी जानों के नजाने पेश किए हमें अब्दुल सतार ईदी जैसी इंसानियत को जिंदा करना होगा हमें मरियम मुख्तार बनकर हवाओं में उड़ना होगा हमें खुद को गुलामी से आजाद करवाना होगा हमें जवानों को पीरों को आजाद करना होगा कि हमको हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है हम वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले सदर वकार मेरा ताल्लुक उस सरजमीन से है कि जहां वतने अजीज की सालमियत के लिए अपनी जुबानें तक कटवाने के लिए मौजूद थे मगर अपने मुल्क के राज को अफशा नहीं करते थे मेरा ताल्लुक उस सरजमीन से है कि जहां मेजर भटी जैसी सबूत मौजूद थी सदर अली वकार मैंने अंधेरे को रोशनी में बदलना है मैंने सुस्त रवि को तरारी में बदलना है मैंने अदबार को इकबाल में बदलना है क्योंकि इस मुल्क में लगी तासुब की आग को फकत हमारी सोच बुझा सकती है कि जो कर्ज जमी के हम पर है वो सारे कर्ज उतारेंगे अब तीसरा रास्ता कोई नहीं मर जाएंगे या फिर मारेंगे हर लश्कर को ललजायेंगे हर दुश्मन को ललकारेंगे और कुर्बान करेंगे जानों को और सर को देश पे वारेंगे शुक्रिया हरम फातिमा आ, 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 अगर जल्दी से आ जाओ बेटा हमारे साथ आ, फकीर मोहम्मद मक्का साहब हैं रॉक फूड कैम्ब्रिज हैं मक्का फ़कीर जी, जी।, जी, जी ये अच्छा जाम शोरों से हैं यहाँ जी बिस्मिल्लाह तारीख के औरक पलटिए सदर अली वकार बर सगीर के मुसलमान चिराग सहर की मानन दम तोड़ रहे हैं कल के हाकिम आज महकूम ठहरे कल इंसाफ का प्रचार करने वाले आज इंसाफ के लिए झोली फैलाए बैठे हैं कि हर तरफ मायूसी के सिया बदल छाए हुए हैं कि ऐसे में एक नौजवान रोशनी का मुतलाशी परवाने के मानद चमकता है और कौम को गफलत की नींद से बेदार करता है कि मंजर बदलता है क्या उस नौजवान की मेहनत रंग लाती है गुलामों को आजादी की नवीद सुनाई जाती है कि आप सबको पाकिस्तान की आजादी मुबारक हो तो फिर ऐसे ही नौजवानों के लिए शहर का कलम लिख उठता है कि मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा खिरत को गुलामी से आजाद कर जवानों को पीरों का उस्ताद कर सदर अली वकार नौजवान कौन वो नौजवान जो इस वतन के इश्क में मेजर अजीज भट्टी बने राशिद मिनहास और सैयद और के सिपाही मकबूल हुसैन बने कि वो नौजवान के जो इस वतन के इश्क में सिपाही मकबूल हुसैन बने कंटिन्यू डोंट स्टॉप डोंट स्टॉप टाइम है टाइम है जहां से याद आ रही है जहां से सुना दो बस कंटिन्यू 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 लास्ट से कर सकता हूं हां लास्ट का लास्ट से सुना नहीं लास्ट में कर सकता हूं नहीं शुरू से अभी टाइम है ना जान शुरू से शुरू से शुरू से जवानों hmm. को पीरों का उस्ताद कर इसके बाद क्या याद किया था आपने जो याद किया था वो याद हो हाँ। हाँ। नहीं याद है पर थोड़ा तो कंफ्यूज हो गया ठीक है आखिरी शेर पढ़ लें आखिरी शेर पढ़ लें तीसरे हाँ, पर था। हाँ। था। मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा उड़ा मेरी खाके जुगनू बनाकर उड़ा खिरत को गुलामी से आज़ाद कर जवानों को पीरों का उस्ताद कर थैंक यू थैंक यू सो मच यार इतना अच्छा चल छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं सुल्णी सुल्णी जी हाँ वालेकुम आप सबको खुश आहद कहता हूँ इस वक्त सिलसिला जारी है मुझे कुछ कहना है का और दो बच्चे जो हैं वो स्पीच कर चुके हैं महानूर हैं द फॉबल्स स्कूल से आपको मैं खुश आमदेद कहता हूँ जवानों को पीरों का उस्ताद कर ये हमारा टॉपिक है बिस्मिल्लाह करें जवानों को पीरों का उस्ताद कर, लोगों का ठाटे मारता समंदर नारों की फलक शगाज कदम आजादी की तरफ बढ़ने के लिए बेचैन तेल अंधेरे से रोशनी की तरफ गामसन गुलामी की जंजीरें तोड़ने का पुरजम जज्बा लिए जी हाँ ये मंजर है उन्नीस सौ सैतालीस का जब को पाकिस्तान तक पहुंचा कर दम लिया जी हाँ वो भी इसलिए क्योंकि नौजवानों ने अपने आबाजाद की पैरवी को अपना शेवा बना लिया बेशक नौजवान अमीन है अपने आबा की सदाकत के इस तकाम के शुजात के और तानत के तो फिर आओ फलक से बुरी सदा को समझो यहीं कहीं है वो सुबह रोशन उठो के तोड़े हुए उठो के शब को जवाल बख्शे उठो के सच को जहां में बोए लिपट के कदमों से रोए मंजिल जिन्हों को ऐसा कमाल बख्शे लेकिन शायद इकबाल कहा हाँ भुला बैठे टीपू सुल्तान का हौसला महमूद गजनवी का एक तकबीर और सलाउद्दीन अयूबी सा जोश और जज्बा ये नौजवान भुला बैठे अपने उन आबा को जिनके घोड़ों के टापों से कुफार के बड़े बड़े लश्कर शिक्स के दलदल में धस जाया करते थे यानी आज का इंसान इस्लाम पसंद बन गया जबकि वो इस्लाम के पाबंद थे आज का इंसान गुफ्तार का गाज़ी बन गया जबकि वो किरदार के गाज़ी थे आज का इंसान जमीर फरोश बन गया जबकि वो सर फरोश थे आज का इंसान महज तो महज तो कलमा तोहेद का दाई है जबकि वो तो पे अपनी जानो माल फिदा किया करते थे तो नौजवानों उठो कि अब तुम्हें शाहिन सी परवास करनी होगी पलटना छुपटना छपट कर पलटना होगा और जागो कि तुम जिंदा हो और तुम्हारी कौम को अब तुम्हारी जरूरत है क्योंकि जब अपना काफला उस मोह यकीन से निकलेगा जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा जमीन की गोद जरा एड़ियाँ रगड़ने दे मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा कि फिर जवानों को पीरों का उस्ताद कर शुक्रिया मैं तो हैरत में हूँ आप लोगों की जजमेंट की मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग पोडियम के सामने आ जाएं तीनों आ, मुझे जो आ, एक चीज़ मुझे लग रही है ये बच्चे बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे आए हैं जिन्होंने आके तकारीर की हैं लफाजी उनसे अच्छी है उन अंदाज उनसे अच्छा है जो बड़े बड़े बच्चे हैं ठीक है बड़े लड़के लड़कियाँ लफ्ज़ों की अदायगी बहुत बेहतर है आ, पूरा पूरा लफ्ज़ बोल रहे हैं Uh, उर्दू के अंदाज जो है उर्दू बोलने का अंदाज़ वो बहुत बेहतर है तो, मैं तो बड़ा शौक़ में हूँ कि ये तो बड़े बच्चों को मेरे ख़्याल से टफ कंपटीशन देने वाले हैं आप लोग क्या कहते हैं इस पर uh, मुझे ऐसा लगता है जब हम ख़ुद मेहनत करते हैं तो हम सिर्फ ख़ुद मेहनत करते हैं इनके यहाँ इनके अंदर जो मुझे चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि इनके ऊपर इनकी माओं ने मेहनत की है या बाप ने की है जी हाँ। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है और जब हम बच्चों के लिए मेहनत करते हैं तो हम हम अपने लिए इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं जितना हम अपने बच्चों के लिए करते हैं तो मैं इन तीनों के ही लफ्ज़ों में कहीं पर भी मैं ज़्यादा गलतियाँ नहीं पकड़ सकी उसकी वजह यही थी कि ये लोग बहुत भरपूर मेहनत के साथ आए थे और अच्छा एक और चीज़ ये होती है कि जो बच्चे होते हैं ना वो बड़ों से ज़्यादा मेहनत करते हैं हाँ। बड़ों से ज़्यादा मेहनत करते हैं से फील भी भी आ रही है ना एक अंदर से बोल भी रहे हैं बच्चे असल में बच्चे जो बात करते हैं ना आप बच हमने मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है बच्चों को आप डांट लें वो कभी भी दिल में नहीं रखेगा दूसरी मरतब तो अगर आपने उसको माफ, माफ़ी मांग ली ना तो वो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं लेकिन बड़ों के साथ आप अगर ऐसा कर जाएं

कभी ग़म को तमाशा नहीं कहते और वो भी तो सुने मेरे ये अशार किसी रोज़ जो लोग नई नस्ल को अच्छा नहीं कहते तो ये हमारी नई नस्ल हैं हम तो सिर्फ़ उनवा थे असल दासना तुम हो तो आप तमाम बच्चे जिस तरह से बोल रहे हैं देखें कभी कभी मुझे यतीमी सा महसूस होने लगता है कि जब मैं सुनता हूँ कि ज़िया महीदीन साहब हमें नहीं रहे मोीन अख्तर साहब हमें नहीं रहे लेकिन फिर उसके बाद आप तमाम बच्चों को देख के मुझे मुस्कबिल में वो चमक वो रोशनी वो नवीद दिखाई देने लगती है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा मुस्तबिल जो है ना वो महफूज हाथों में आज का जो मौजू था जवानों को पीरों का उस्ताद कर, इकबाल ने कहा था कि शराब कोहन फिर पे ला सा आप लोगों के लिए कहा था वही जाम गर्दिश में ला साया तड़पने फड़कने की तोफ़ीक दे दिल मुर्तज़ा सोज सद्दीक दे जिगर से वही तीर फिर पार कर तमन्ना को सीनों में बेदार कर खिरत को गुलामी से आजाद, आजाद कर, कर जवानों को पीरों का, का उस्ताद बहुत कर, अच्छी तकाम की आप लोगों ने बहुत मजा आया हरम फातमा आपका अंदाजे बयाँ बहुत नेचुरल और महानूर मुझे आप में मुस्तकबिल का एंकर नजर आ रहा है जिस अंदाज से आप तकरीर कर रही हैं अल्लाह करे जोर बयाँ और ज्यादा बाकी आप तमाम बच्चों की गलतियां इतनी ज्यादा नहीं है बस एक बात फकीर आपने कहा था कि जब हमने शायर ने देखा कि पाकिस्तान बन रहा है नौजवान कुर्बानी दे रहे हैं तो उनका कलम ये लिखने पर मजबूर हो गया कि जवानों को पीरों का उसाद कर ये जो लिखा है वो इकबाल ने लिखा है और पाकिस्तान बनने से दस साल कबल ही उनका इंतकाल हो गया था तो लिहाजा ये कनेक्ट नहीं हुआ था अलबत् बहुत अच्छी तकररीर की हरम फातमा आप को भी पता है कि आप मौजू पर मौजू की मुनासबत से आप तकरीर नहीं कर रही थी लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काबिल दाद है जी शहवाज़ भाई जी तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मरख जब नई तारीख़ का पैगाम लिखेगा हमें उन वाह बनाएगा हमारा नाम लिखेगा इन बच्चों को देख कर यही इशार हमें याद आ रहे हैं आज और जिस तरह तलह भाई ने भी बात की आ, लेकिन आ, कुछ चीज़ें जो टेक्निकलिटीज़ हमें देखनी होती हैं जैसे कुछ तलफ़ हैं जैसे सपूत मौजूद थी किसी आ, जो है मर्द पर कहा गया तो सपूत मौजूद थे कहा जाएगा यहाँ पर या खाक पढ़ा गया तो खाक पड़ेंगे इसको और आखिरी जो शेर पढ़ा आपने महानूर उसमें आपने वतन की गोद का शायद वतन की मिट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे कुछ इस तरह की लाइन है तो इसको भी ठीक करने की हमें ज़रूरत है सबसे पहले हरम फातिमा आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया लेकिन कंटेंट जो है वो आपका जिस तरह तला भाई ने कहा कि मौजू की मुनासबत से नहीं था लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपकी डिलिवरी उसके अलावा आपने आपका अंदाज़े बयाँ बहुत अच्छा है माशाला से नेचुरल स्टाइल है आपका तो बहुत पसंद आया हम तीनों जजेस को उसके अलावा फ़कीर माँ आपकी तकरीर हमें लग रहा था कि आज ये बच्चा मंजर निगारी भी हमें दिखा रहा है एक मंजर दिखा रहा है हमें और हम गुम हो रहे हैं उस मंज़र में लेकिन अचानक से अल्फाज आपसे गुम हो गए लेकिन कोई बात नहीं इस तरह होता है हम भी जब नए नए इस स्टेज पर आए थे तो हम जब आते थे तो हम बिल्कुल भूल जाते थे लेकिन आपको जब कहा गया आखिरी शेर पढ़ें तो आपने पढ़ा ये इसके लिए आपको अलग से दात और महानूर निहाल आपका अंदाज़ बयाँ बहुत अच्छा है माशाल्लाह से और आपके एक्सप्रेशंस आते हैं जो आप बोलती हैं तो ये एक किसी भी मुक्र के लिए बहुत अच्छी बात है तो आज का रिजल्ट आ, मेरी तरफ पर आप तीनों के लिए पहले तालियां हुई क्या बात है क्या बात है थर्ड पोजीशन पर थर्ड पोजीशन पर जो आ, आज हैं वो हैं फकीर माका फ़कीर माका साहब हरबियन और खालिद स्वीट्स के गिफ्ट हम पर आपके लिए यू आर वेरी गुड मैन कीप इट आप आज हो गया कभी कभी हो जाता है ये हो जाता है बट आप बहुत अच्छा बोले हो बहुत अच्छा बोले वाह बोल आप तीनों बहुत अच्छे मुकर्रिन हैं ये आज के मुकाबले का फैसला है वैसे आप तीनों डिफरेंट मुकाबलों में जीतते रहे तो आप सब विनर हैं आ, सेकंड पोजीशन पर आ, क्योंकि कंटेंट पर हमें आज कंटेंट पर काम करना है और मौजू की मुनासबत से कंटेंट नहीं था तो सेकंड पोजीशन हरम फातिमा हरम हरबियोन और खालिद स्वीट्स की तरफ से ही आपके साथ जाएगा कीप इट अप कीप इट अप जो सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही हैं आज वो हैं महानूर नेहाज महानूर ओजी डेवलपर्स की तरफ से ये गिफ्ट टेम्पर है और सिर्फ यही नहीं है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से एक लाख रुपए की पूरे साल की फ्री मेंबरशिप है फॉर फैमिली ये आपके साथ जाएगा बेबी आप थोड़ा सा आ गया हो शाबाश आ जाएँ सब आ जाएँ सब आ जाएँ तीनों ने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया मैंने तो बहुत इन्जॉय किया सीरियसली आई थॉरली इंजॉयड थैंक यू आप तीनों का बहुत शुक्रिया और आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया बहुत च्वाँ आ, च्वाँ मेरे ख्याल से हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज कुछ मजे का फिर बन रहा है और ज़ुल्म है मेरे उतरे चलें जी छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं। सली वा सली दाएं 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 जी असल मजेदार अवतार में आपको खुश आमदेद कहता हूँ डॉक्टर ग्राम साहब भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन आप क्या कर रही हैं हाथ धोने लाइफ बॉय जी जो के हंड्रेड परसेंट गिव प्रोटेक्शन इन जस्ट टेन सेकेंड लाइफ बॉय चले जी। ये वाला खुला है। दस सेकेंड में से हंड्रेड परसेंट प्रोटेक्शन देता है जर्म प्रोटेक्शन लाइफ बॉय चले जी ये हो गया अब हम चलते हैं किचन में क्या बना रही हैं आज आप आज हम बना रहे हैं सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स अच्छा और एक हम ड्रिंक बना रहे हैं एप्पल एंड ककंबर मोहितो ओहो तो मैं कहता हूं एक ड्रिंक हो जाएगा क्रिस्पी पॉपर्स के साथ और फिर फॉर सबरोसो या सबरोसो के तो यू नो कचौरी पकोरास एंड सी कबाब्स एंड चिकन स्प्रिंग रोल्स एंड नगेट्स मतलब बहुत जबरदस्त किस्म की सारी इनकी चीजें आई जस्ट लव मेरा तो पूरा दसर खान सब रोसो से ही भर जाता है जरूरत ही नहीं कुछ और बनाने की चले हम स्टार्ट करते हैं इट्स क्रिस्पी पॉपर्स यार शेफ साहब अब फुल फॉर्म में क्या बात है और डॉक्टर इकराम साहब से भी हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग आज डिस्कशन होने है वाली है okay. आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ oh. ये जो जहनी सेहत है जहनी सेहत होती क्या है उसको क्या बादाम खिलाएं वो ए, एक जोक आया था पिछले दिनों कहते मैंने इतनी बादाम खा खाली अवतार में कि बचपन की भी मोहब्बत याद आनी शुरू हो गई है इमेजन करें मैं, या कोई भीजिए आप एक लंबी तारीख बिल्कुल अंधेरी सुरंग में जा रहे हैं चलते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं लाइट एट टनल बिल्कुल नजर नहीं आ रही राइट और आखिरकार चल चल के चल चल के इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है और वो गिर जाता है वहाँ पर कि यार बस अब डन हो गया एक ऐसा शख्स जो जहनी तौर पर सेहतमंद है वो अगर गिर भी जाएगा तो उसे मालूम होगा कि मैं मज़ीद नीचे नहीं जा सकता मुझे उठना है जब इंसान गिरता है तो उसको ये मालूम होनी चाहिए कि अब गिरने में भी एक फ़ायदा ही है जब हालात वाक़ ट्रेजिडीज़ सानहे एक्सीडेंट्स गिराते हैं इंसान को तो उसको ये सोचना चाहिए कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कि मैं इससे मज़ीद नीचे नहीं जा सकता वाह wow. सो so, जहनी तौर पे जो सेहतमंद लोग होते हैं वो गिर के उठते हैं और गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में और वो चलते रहते हैं एक मेंटल हेल्थ से मुराद वो स्टेट है वो कंडीशन है जिसमें इंसान को अपनी जहनी और जिसमानी सालायतियों का इजराक हो अपनी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ का कि मैं ये कर सकता हूँ और डे टू डे मैनेज करना आती हो जैसे आप माशा ट्रांसमिशन कर रहे हैं और यकीन माह रमज़ान में स्केजल डिफरेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा उसके बावजूद माशा यू आर मैनेजिंग इट वेरी वेल सो इसका मतलब है ऑन अ लाइटर नोट के माशाल्लाह और यकीनन ऑन अ सीरियस नोट एज वेल के माशाल्लाह आप जहनी तौर पे सेहतमंद है वरना यकीनन आपके लिए मैं, ये मैनेज करना मुश्किल हो नहीं जाता। मुझे लोग कहते हैं ना यार मुझे डिप्रेशन हो गया मुझे एनजाइटी हो रही है मुझे समझ ही नहीं आता मैं कहता हूँ यार डिप्रेशन एन्जाइटी होती क्या है मुझे नहीं समझ आता ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि यार डिप्रेशन हो गया यार मैं कहता हूँ भाई मेरे तो या तो सर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है मुझे तो डिप्रेशन नहीं होता ठीक है यहाँ के मसल वसल में दर्द ज़्यादा हो जाएगा डिप्रेशन मुझे नहीं पता मुझे सीरियसली नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है पाकिस्तान में फैसल हर सौ में से तीस लोग क्लिनिकल डिप्रेशन या एनजाइटी का शिकार हैं डिप्रेशन आम लोग आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि खुदा नास्ता किसी के घर में इंतकाल हो गया कोई हादसा हो गया तो वो उदासी मायूसी तन जो होती है ना वक्ती वो उसे डिप्रेशन कहते हैं वो एक्चुअली वक्ती डिप्रेशन होता है हम लोग बात कर रहे हैं जब डिप्रेशन या एन्जाइटी बेचैनी तशवीश मर्स की शक्ल इख्तियार कर लें यानी इंसान की नींदें उड़ जाए उसकी वजह से या उसके जहन में सुसाइडल टेंडेंसी आने लगे कि यार मुझे अब ख़ुदकुशी कर लेनी है रबत खुदाना खास्ता भी इसका एक फैक्टर हो सकता है सेहत भी इसका एक फैक्टर हो सकता है बीमारी भी इसका एक फैक्टर हो सकता है हालात भी इसके फैक्टर बिजनेस में लॉस हो गया घाटा हो गया ब्रेकअप हो गया मुख्तलिफ चीज़ें तब तो जब इंसान उस लेवल पर पहुँच जाता है और वो कैफियत उसकी दो हफ्ते से ज़्यादा जारी रहती है तब हम कहते हैं कि इसको क्लिनिकल इन्जाइटी है या क्लिनिकल डिप्रेशन है या इसको और दूसरे अमराज हाँ। so, परसेंट लोग, लोग तो जाते नहीं है पागलों के डॉक्टर है या मेरे, मेरे दो तीन दोस्त है वो कहते हैं हमें कहते है, पागलों का डॉक्टर जितने भी पागलों का डॉक्टर कहते हैं हम पागलों का डॉक्टर है

वो कामयाब नहीं रह सकता हर इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन हैं लोग अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को आप भी एज ए डॉक्टर आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते किसी भी वजह से, को फैमिली से न, व्लुक्ण हाँ, व्लुक्ण। कोई फैमिली की वजह रोबोट्स तो नहीं है ना हम लोग हाँ कोई फैमिली की वजह से कोई फाइनेंशियल कोई किसी भी सूरत हाल में आप किसी वक्त आप पे डाउनर होता है जकीन, जकीन। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डिप्रेशन में चले जाए तारी कर लें उसको अपने उसको उपर, अपने ऊपर तारी कर लें बुरे हालात है अच्छे भी आ जाएंगे यार ऐसे इसमें ही कितनी तरह की जहनी जो बीमारियाँ हैं वो पाकिस्तान में मैं स्पेशली बात करूँगा ज़्यादातर पाकिस्तान में ज़्यादातर कितनी तरह की जहनी बीमारियाँ वैसे तो फैसल बहुत सारी जहनी बीमारियाँ हैं पाकिस्तान में भी लेकिन जो सबसे कॉमन है आम तरीन जो और अहम तरीन जो तीन बीमारियाँ हैं जहनी हेल्थ के हवाले से वो हैं नंबर एक डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं माजी पास्ट उदासी मायूसी तनाई खुदकुशी के ख्याल इंसान माजी में कुछ उसके साथ ऐसा हुआ कि वो अब उससे बाहर नहीं आ पा रहा सुरंग में गिर गया है ये नहीं जानता कि अगर मैं चलता रहूंगा चलता रहूंगा तो आखिरकार बाहर निकल जाऊंगा बाहर बहुत खूबसूरत बाग है रोशनी है सारी चीजें चलना बंद कर देते हैं जब गिरते हैं तो फिर उठते नहीं हैं डिप्रेशन mm. इसी तरह जर्नलाइज एन्जाइटी डिसऑर्डर जिसको जीएडी कहते हैं आप सो एनजाइटी मींस फ्यूचर क्या होने वाला है जॉब होगी नहीं होगी शादी होगी नहीं होगी रिश्ता होगा नहीं होगा औलाद होगी नहीं होगी वगैरह वगैरह सो so फ्यूचर के बारे में जब फ्यूचर में आप रहते हैं तो फिर एंजाइटी में जाते हैं तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट और मैं चाहता हूं कि हमारे हमें वो विजुअल दिखाया जाए स्क्रीन पे बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ओफ, क्या टॉपिक लाए हैं आप यार बाइपोलर so, डिसऑर्डर को अक्सर लोग ये नहीं समझते कि जो ग्लोब होता है ना दुनिया का गो, दुनिया गोल है तो ऊपर होता है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल सो so, बाइपोलर का मतलब यह है कि जो उर्दू में एक मुहावरा है पल में तोला पल में माशा यानी आप यकीन नहीं करेंगे कि वही बंदा है जो अभी इतना खुशो खुर्रम था इतना ज़बरदस्त तरीके से चहक रहा था और अब वो ऐसे डाउन हो गया या ऐसे गुस्से में आ गया कि आप पहचानेंगे नहीं इसको कि नहीं वही बंदा था आ. जो अभी दो घंटे पहले इसकी हालत ये थी सो so, ये बाइपोलर इज़ वेरी कॉमन एज वेल सो बाईपोलर में यह कि इंसान एक्सट्रीम्स पे चला जाता है खुशी की एक्सट्रीम से चला जाएगा इतनी एक्सट्रीम पे चला जाएगा कि उसको कहते हैं मैनिया हाँ। मैनिक हो जाता है कि वो अकेला हो रहा है वो अपने जो अतराफ के लोग हैं जो उसके साथ रिलेशनशिप में जो उसके कुलीग्स हैं माँ बाप सिबलिंग्स मियाँ बीवी वॉट बहन भाई उन सबको वो मुतासर करता है सो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैग्नेट की तरह होती है रेज निकलती है आप कह लीजिए आसान में कि ये समझिए कि अगर मेरे अंदर डिप्रेशन है अगर मेरे अंदर एनजाइटी है तो मैं वही मेरे अंदर से रेज निकलेंगी वही वाइब्स निकलेंगी मेरा परसों वही होगा और मैं दूसरे लोगों को भी मुतासर करूँगा कंटेजियस हो जाएगा इसी तरह अगर मैं खुश हूँ खुश वुर्रम हूँ जॉयफुल हूँ तो यही चीज़ मैं अपने साथ वालों में भी ट्रांसफ़र करूँगा सो इसको हल्का नहीं लेना तो चाहिए सब क्या रीज़न है ये ये बाइपोलर होने का या अपना क्या कहते हैं डिप्रेशन अगर डिप्रेशन तो चलें मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत आता ही है आ, हर इंसान पे कहीं ना कहीं एक आप जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा यूँ होगा आप थोड़े से यूँ एक डाउन आ जाता है आप पे थोड़ी देर का डिप्रेशन होता ही है लेकिन ये जो बायपोलर होना जो है आ, ये कैसे कैसे हो सकता है कोई बाइपोलर इसकी इस नंबर वन जो वजह है फैसल वो है जीन्स अगर किसी के ख़ानदान में बाप दादा नाना चचा, फूपी, जो ब्लड रिलेटिव होते हैं किसी को बाइपोलर रहा है तो देयर आर प्रेटी गुड चांसेस को उसको भी होगा लेकिन हैविंग सेट देट इसका ये मतलब नहीं है कि लाजमन होगा इंसान को अगर ये मालूम है कि मेरे ख़ानदान में ये प्रॉब्लम मौजूद है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल्फ अवेयर हो सकता है और अगर जीन्स में है भी तब भी अगर इंसान उन ट्रैगर्स को अवॉइड करे या अगर ट्रैगर बहुत ऐसे होते हैं कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते ना खुदा नास्ता किसी की डेथ हो गई किसी ने अल्लाह नगर किसी पे केस कर दिया तो उसको गुस्सा तो आएगा पॉइंट इज कि उस, वो अपने अपने हवाले से सेल्फ अवेयर हो कि मेरे जीन्स में ये साइकेट्रिक इशू मौजूद है साइकोलॉजिकल इशू मौजूद है और आई हैव टू डील विद इट आई हैव टू मैनेज इट सो एक्सरसाइज प्रॉपर नींद बार बार हम वही बात तकरार कर रहे हैं जो पहले हमने बात की थी लाइफ स्टाइल की और चार तरह की सेहत की एक्सरसाइज नींद और डाइट कच्ची सलाद सब्जियां और प्रॉपर नींद लेना सात घंटे से कम ना हो नौ घंटे से ज्यादा ना हो और अगेन अपने आप को हरकत में रखें हरकत में बरकत जो कही दे गई वो इसीलिए कही गई है ये सारी चीजें और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फैसल के इंसान का ताल्लुक नेचर से ना टूटे जब भी इंसान का ताल्लुक नेचर से टूटता है वो डिप्रेशन में या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जाता है यानी धूप आधे से एक घंटे नर्म धूप में बैठना स्विमिंग करना पानी से ताल्लुक घर uh, का नल घर का नल का खोल के नीचे ना बैठ जाना <laughs> डॉक्टर साहब ने कहा ना पानी से ताल लो सो राइट कच्ची जो रेत होती है नरम जमीन होती है उस पे यानी चप्पल नहीं उतार के चलना क्या बात आपने है वाह 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 रहे मुझे याद आता है अपना बचपन में बहुत सारे बड़ों को जब मैं छोटे हम होते सुबह रनिंग करने जाते थे तो मुझे याद है कि कितने सारे बुजुर्गों को जवानों को जो हमसे उम्र में बड़े थे उस वक्त नंगे पाओ में घास पे वॉक करते नेचर फितरत से ताल्लुक फितरत से डिस्कनेक्ट होना ही वजह है जिसकी वजह से इंसान जो इन सारी प्रॉब्लम्स का शिकार वा, 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 होता है क्या बात किया सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान पहले खुद अवेयर हो के यार मुझे इसमें मुब्तला नहीं होना है और आई कैन कंट्रोल इट यहां पर फैसल आपकी इजाजत से मैं कहना चाहूंगा कि पहले ये लगे हाथों तो यह भी याद कर लीजिए कि साइकोलॉजिस्ट में और साइकाट्रिस्ट में क्या फर्क होता है साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर मेडिकल डॉक्टर नहीं होता साइकाट्रिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर होता है फिर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं एफ वगैरह साइकाट्री में दवा और काउंसलिंग करता है साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो या होती हैं वो काउंसलिंग से इलाज करती हैं डिफरेंट बिहेवियर थेरेपीज उससे इलाज करती हैं So the point is कि अगर आप समझते हैं कि अभी मुझे दवाओं की तरफ और अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे तो खुदा न मतलब कि आप पागलपन का शिकार हैं अल्लाह ना करें बिल्कुल नहीं जी मैंने आप एक मिनट बैठे मेरे साथ आप अभी बना रही हैं जी मैं इसको बना रही हूँ तो एप्पल एंड क्यू कम्बा मोहितो ओहो मोहितो <laughs> अच्छा भाई पा, पाकिस्तान में सादा मुहि तो मिलता है आप लोग जो देख रहे होंगे वो वो कुछ मेरे जानने वाले परेशान हो जाएंगे रमजान भी है हमें ब्रेक पे जाना है ब्रेक से आगे कंटिन्यू कर okay. आप बना, लें। अच्छा, okay, मैं आप बना, बना ले अच्छा ओके छोटा सा ब्रेक ले लेते जी अस्सलाम वालेकुम आपको खुशामद एत कहते हैं डॉक्टर मुफ्ती उमर साहब यहां पे मेरे साथ मौजूद हैं और आज इन्होंने कोई जबरदस्त सी ड्रिंक भी बना दी है एप्पल खीरा और लेमन मिंट लीव्स मिंटली एंड लेमन पाउडर लेमन पाउडर हाँ किसी भी ब्रांड का लेमन पाउडर ले लें बट नो शुगर एडेड वाह वाह ठीक है ये बन गया हमारा एप्पल एंटीऑक्सीडेंट and... हो गया एप्पल एंड ककंबर मोहीतो जी तो थैंक यू सो मच आज आपने डबल ड्यूटी दी है मैं आपका uh, वाकई दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये <laughs> आज आपकी डबल ड्यूटी हो गई uh, हमारी जो दूसरी शेफ़ साहिबा हैं आज उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी ये बहुत अच्छी बात है ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं और uh, इस तरह से काम करती हैं ज़रा थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब डॉक्टर uh, इकराम साहब बड़ी अच्छी बात आज कर रहे हैं हम डिप्रेशन एन्जाइटी पाकिस्तान में ज़्यादातर बाइपोलर इश्यूज और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं तो मैं ये बड़े यकीन के साथ कह रहा था मैंने कहा जी क्या कह रहे हैं जी आ, मैं बड़े यकीन के साथ ये कह रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी इस तरह से डिप्रेशन हुआ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अलहमदिल्ला होता है तो उसके कुछ हल मौजूद हैं जो बाब वो अदा कर देते हैं तो उनसे ऑब्वियसली चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं मैं जरा चारों किचन का सेगमेंट ख़त्म कर दूँ uh, एल ई गिफ्ट है uh, जो बेस्ट रेसिपी हमारी करार पाई किचन uh, सेगमेंट से ओजी डेवलपर्स की जानब से एल uh, ई है ओजी डेवलपर्स की क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेस इज़ दार इंस्पायर एंड एलिवेट और बेस्ट रेसिपी का एवॉर्ड सॉरी एल जा रही है आयशा को जिनका ताल्लुक़ है पेशावर से बहुत बहुत मुबारक आपको और बेस्ट रेसिपी चली गई है बेस्ट रेसिपी निकाल के दें दे भाई हमारी शेफ साहबा को ये हमें बना के देंगी यहाँ पे थैंक यू सो मच ऐसे जी आप लोग भी शेयर करें और जीते तो डॉक्टर साहब अगर सम अप करते हैं इस चीज़ को हम ब्रेक में भी कुछ बात कर रहे थे मैंने देखा है लोगों को दुनिया में नंगे पाँव घूमते हुए मैंने कहा पागल है नंगे पाँव घूम रहे हैं बाद में पता चला कि अच्छा भाई है तो इनकी आदत में शामिल हैं चीज़ें और चिल लोग हैं अगर आप इस वक्त हम बात करें तो ठीक है न्यूजीलैंड या फिनलैंड के बारे में कहते हैं कि दुनिया की सबसे खुश कौम है लेकिन आ, मैंने ऑस्ट्रेलियंस को और न्यूज़ीलैंड के जो लोग हैं उनको भी बहुत खुश देखा है और आ, व, 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 मैंने वहाँ पे देखा लोग नंगे पाँव घूमते हैं बाकायदा सड़कों पे भी ना हमारे खैर हमारे यहाँ तो बोतलें रात को तोड़ जाता है ना सारी के गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं सड़कों पर बोतलें टूटी होती हैं तो वो पाँव में चुप जाएंगी ये मत कीजिएगा लेकिन ऐसी जगह है जहाँ नंगे पाँव आप घूम सकते हैं कराची में रहने वाले समंदर के किनारे पार्क हो लॉन हो लॉन हो अब तो इतना काम किया है साहल समंदर पे पर वसीम भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा बहुत पुश किया उन्होंने साहिल समंदर पे बकायदा बड़े अच्छे पार्क बना दिए हैं वहाँ पर आप नंगे पाँव घूम सकते हैं आप साहिल समंदर से दूर रहते हैं अपने घर के पास जो पार्क हैं वहाँ पर थोड़ी देर नंगे पाँव ज़रा चल के देखें आपके जहन को बड़ा सुकून मिलेगा बिनाई के लिए बहुत अच्छा है आ, और सॉरी जी सो so, फैसल मैं अपने स्टूडियो के भाइयों से गुजारिश करूँगा कि एक विज़ुअल हम लेकर आए थे जी जी जार थ्योरी के हवाले से जिसमें एक शीशी है और आ, मैं उस हवाले से बताना चाहूँगा कि आप इस इस पिक्चर को अगर गौर से देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि एक जार है ठीक है और उसमें सात उसके बड़े पत्थर हैं उसके बाद कंकर हैं जो छोटे पत्थर होते हैं और उसके बाद रेत है जी। होल कॉन्सेप्ट इज दिस के ये हम बात कर रहे हैं जहनी हेल्थ के हवाले से अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करने के हवाले से क्योंकि खाली दिमाग को शैतान का घर इसीलिए कहा गया है अगर हमारा दिमाग जो है उसमें हम अपने माइंड में सिर्फ रेत भर देते हैं सबसे पहले मामूली चीजें हैबिट्स डिस्ट्रैक्शन एडिक्शंस डिस्टोर्शन डेविएशंस अगर रेत को भर लेते हैं जार यहां तक हमने भर लिया रेत से तो क्या उसमें पत्थर दाखिल हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे क्योंकि मट्टी आ गई ना लेकिन अगर हम बड़े पत्थर पहले डालते हैं तो उसमें स्पेस रहेगी उसके ऊपर कंकर भी आ सकेंगे और रेत भी आ सकेगी सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके देखिए जी सो so ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं ये कर सकते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं सो so, हम अपनी प्रायोरिटीज को गलत सेट करते हैं फजूलियात से जब हम अपना माइंड फुल कर लेंगे तो फिर माइंडफुल नहीं रहेगा हाँ एक चीज होती है माइंड को फुल कर लेना और एक चीज होती है माइंडफुल होना फोकस रखना इर्तिकाज जिसको आप उर्दू में कहते हैं सो so, जब इर्तिकाज इधर उधर होता है फजूलियात की तरफ होता है और फ्रेंकली स्पीकिंग अभी एक, आ, आ, मैं खबर आपकी यही बात खत्म कर दू घर पर आसान तजर्बे के लिए एक जार लें उसमें चावल भर दें पहले ठीक है पूरे चावल ऊपर तक भर चावल भी भरे ठीक है ऊपर तक चावल भर के थोड़ा सा गैप रख के उसके अंदर तीन लींबू रख के दिखाए मुझे <laughs> नहीं घुसेंगे अंदर आप डालें पहले तीन लींबू जार के अंदर फिर ऊपर से चावल डालें उतने ही चावल पूरे हो जाएंगे ये जो उन्होंने बात की है ये मैंने कही है, मैं बता दूं बेहतरीन तो अटेंशन स्पैन जो है ना रील्स की वजह से शॉर्ट्स की वजह से क्लिप्स की वजह से तीस सेकेंड से कम हो गया इंसान अब इंसान सिर्फ यूं कर रहा है सो so, अगर कोई काम की चीज भी है जिसमें काम की बात शुरू हो रही है लेट से पचास सेकेंड्स के बाद चूंकि पंद्रह सेकंड में अटेंशन ग्रैब नहीं हुई आपकी आपने छोड़ दिया उसे बहुत काम की बात हो सकता है निकल गई हो आपकी सो so, हम लोग जो है बहुत जल्दी में यानी रेत को भर रहे हैं अपने दिमाग में जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर संगे मील मिस हो जाते हैं सो so, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसान माइंडफुल रहे ना के और इसकी जो मैं आखिरी मिसाल देना चाहूंगा इस हवाले से वो ये कि देखिए जब आप रेसिंग कार हमें मंजिल पे पहुंचना होता है फिनिश लाइन को क्रॉस करना होता है तो हमारे सामने मंजिल रहनी चाहिए फिनिश लाइन रहनी चाहिए लेकिन अगर मैं सामने राइट राइट और लेफ्ट देखते रहूंगा कि ये अब दीवार आई अब मोड़ आया अब ये टायर लगे हुए हैं यहाँ पर मुझे इससे बचना है मुझे इससे बचना है तो मेरी जो फोकस था वो आखिरी मंजिल से हट गया अब वो नतीजतन वही होगा जिससे मैं डर रहा हूँ यानी रुकावट से मैं टकरा जाऊँगा और सफ़र रुक जाएगा सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अगेन वर्जिश करें नींद पूरी करें और डाइट अच्छी लें कच्ची सलाद फल और सब्जियाँ बहुत ज़रूरी हैं और डीप फ्राइड चीज़ें रोज़ाना की बेसिस पे ना खाएं कभी कभार तो होता है इंसान खाते हैं सब लोग लेकिन डीप फ्राइड चीनी ख़ास तौर तो पे चीनी एन्जाइटी को डिप्रेशन को बढ़ाती है दर्द की शिद्दत को बढ़ाती है वेरी ट्रूड वेरी ट्रूड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आई थिंक ग्रेट और uh, चूंकि मुफ्ती साहब भी हम बैठे मुफ्ती साहब ये जो अभी हम सारी बात कर रहे थे डिप्रेशन मुझे ज़ाती मेरा ख्याल है आप मेरी मतलब आप सही कर सकते हैं मुझे मुझे लगता है डिप्रेशन जैसे ये डॉक्टर साहब भी ये कहते हैं या एन्जाइटी जो है वो ऑब्वियसली हम जब एक माजी में फंस जाते हैं या हम कभी आ, कुछ चीज़ें हैं आ, जो शायद हमारी दस्तरस से बाहर होती हैं उनको हासिल ज़रा जल्दी करने की कोशिश में हमारी तैयारी इतनी नहीं है ठीक है मतलब मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता और मैं कहूँगा मैं छलांग मार के घोड़े पर बैठ जाऊँ और मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे ज़रा एन्जाइटी होगी ठीक है तो पहले तो प्रपेशन बहुत ज़रूरी है Uh, सब चीज़ों के लिए लेकिन मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर हम ज़रा कनेक्ट रहें uh, इंसानों से कनेक्ट रहें अपने मज़हब से कनेक्ट रहें डिप्रेशन की हम बात करते हैं लोग डिप्रेशन में ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं सुसाइड कर जाते हैं ये ये सुसाइड के ऊपर तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा सा थोड़ा सा एक एक बात ज़रूर करें लोगों को समझाएं इस बारे में असर बसमिल फ़ैसल भाई आपने बहुत अहम बात की तरफ़ तोज्जो दिलाई है और मैं इसको अगर कुरान की रोशनी में देखूँ तो ये खौफ और हुज़न है फ़ियर एंड सॉरो खौफ मुस्तबिल का होता है गम माजी का होता है बहुत सारी डिज़ायर्स ऐसी हैं कि जो हम अपनी मुकम्मल दुनिया में तो नहीं कर सकते तो नतीजतन इंसान ग्रेजुअली डिप्रेशन की तरफ चला जाता है तो इसका हल क्या है कुरान ने कहा है जो मेरे दोस्त बन जाते हैं तो मैं खौफ और हुज़न से उन्हें आज़ाद कर देता तो दो चीज़ें हैं एक तो अल्लाह से ताल्लुक पैदा करें जब गॉड्स कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आ जाएगा खुदा के वजूद का एहसास होगा तो ये ताल्लुक और मोहब्बत हमें बंदों से जब मायूसी होगी तो अल्लाह से मायूस नहीं होने देंगे वाह वाह और दूसरी बात ये कि मखलूक की खिदमत करें ये मखलूक की खिदमत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इनर हैपीनेस में बिल्कुल इतना रिच कर देती है कि फिर आप लोगों की मखलूक की खिदमत करते करते बिल आखिर अल्लाह ताला आपको एक अंदरूनी सुकून और ख़ुशी अता फरमा देता है और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इंट्रॉस्पेक्शन जिसे कहा जाता है कि अपने इंटरनल डाटा को एग्ज़ामिन करें हम तौर पर दूसरों को एग्जामिन करते रहते हैं लेकिन जब तक आप अपने थाट्स को अपनी फिक्र को अपने कल्बो जहन में चलने वाली जंग को जब तक आप एग्ज़ामिन नहीं करेंगे और सुसाइड की आपने बात की अल्लाह ताली का कुर मजीद में एक फरमान है अल्लाह ताली ने फरमाया कि कुल या इबादी लदीन असरफुआ अनफुसैम या रसूल सल वसलम आप कह दीजिए कि ए मेरे बंदों जो अपनी जानों पर म कर कर के मायूस हो गए तुम सबसे मायूस हो चुके हो ला तकन तरहत अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना इन यक फ़फ़िर जुनू जमिया अल्लाह ताली तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ करेगा तो शर्क भी दुनिया में मुआफ़ हो सकता है अगर तोबा की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस डिप्रेशन एंग्जाइटी और ये तमहारा तरह के जो हमारे जो एक अमराज कल्ब हैं जहनी अमराज हैं इनसे हम निकलना चाहते हैं दो काम करें अल्लाह से दोस्ती और मखलूक पर तकिया ना करें और मखलूक की खिदमत करें तो इन ये दोस्ती हमें इस डिप्रेशन से निकालेगी और अपनी जान को नुकसान पहुँचाने के बजाय ये जान अल्लाह की अमानत है ये आँखें ये कान ये ज़बान ये सब चीज़ें अल्लाह की अमानत हैं और इस अमानत को एज़ इट इज़ अल्लाह के पास हमें वापस पेश करना है तो सुसाइड के बजाय आप अल्लाह से दोस्ती करें तो इन आपको दुनिया में हर दरवाज़ा बंद हो जाएगा वो दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है अल्लाह अकबर वो दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ लेकिन पता है पिछले दिनों हालात की वजह से और चीज़ों की वजह से हमने देखा खुद भी खुदकुशी कर रहे हैं बच्चों को भी बच्चों मार को लोगों ने कत्ल कर दिया बच्चों को मार दिया मैं तो वो चीज़ें पढ़ के मैं आई क्राइंग मतलब सीरियसली वो जान निकल जाती है पढ़ के कि आप अपने बच्चों को भी मार रहे हैं आप ख़ुद भी खुदकुशी कर रहे हैं खुदा के वास्ते देखिए अच्छे बुरे हालात हैं लोग बैठे हैं यार मदद करने के लिए अगर कोई इस तरह की चीज़ है आप कांटेक्ट करें थोड़ा सा आप लोगों को बोलें अपनी फैमिली में किसी को बोलें नहीं समझ आता आपको आप ये इतने सारे लोग हर अब तो इलाके में हर शहर में लोग मदद करने के लिए बैठे हैं सफ़ैद पोशी मैं समझ सकता हूँ कि आपकी सफ़ायत पोशी आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे पैसों की ज़रूरत है लेकिन कम अज़ कम यार आपकी औलाद आप, आपकी बीवी आपकी माँ आपका बाप आपकी बहन आपका भाई जो भी है यार आप उसकी जान ले लेंगे यार ये ना करें ये ना करें खुदारा ना करें बहुत बहुत मसला है ये इस पर वाकई थोड़ा आपको ख्याल करने की ज़रूरत है बाकी अगर अच्छा बुरा वक्त मैं अपनी भी मिसाल देता हूँ मुफ्ती साहब अपनी मिसाल देंगे डॉक्टर साहब अपनी मिसाल देंगे दुनिया का कामयाब से कामयाब इंसान कोई भी कामयाब इंसान है हो ही नहीं सकता कि उसको कामयाबी बग़ैर फेलियर के नाम मिली अगर तो उसको ज़िंदगी तो में फेलियर नहीं मिला है तो वो कामयाब नहीं हो सकता बेशक बेशक ये बात लिख लें आप वो कोई भी इंसान है अगर उसको फेलियर नहीं मिला वो कामयाब नहीं हो सकता खुदा के वास्ते डिप्रेशन से अपने आप को बचाएं मैं अभी ब्रेक में भी ये बात कर रहा था मैं ऑनियर नहीं करना चाहता लेकिन मैं फिर भी करता हूँ आपको कितना डिप्रेशन है कितनी एन्जाइटी है अल्लाह पे भरोसा करें नमाज बाकायदगी से पढ़ें यकीन से पढ़ें नमाज ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ अदा ना करें नमाज सिर्फ कि मैंने बस फ़र्ज पूरे कर देने मोहब्बत से पढ़ें यकीन माने मेरी बात मोहब्बत से अदा करें नमाज जैसे जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम कितनी स्ट्रगल करते हैं कितनी कोशिश करते हैं जब आप मोहब्बत से नमाज पढ़ना शुरू करेंगे ना आपके दिल में पुख्तगी आनी शुरू हो जाएगी हाजत की नमाज़ पढ़ दें यकीन के साथ कि अल्लाह करेगा डाल के दे तो देखें अल्लाह पे यार एक दफ़ा अल्लाह पे ये यकीन करके देखें ये सब चीज़ें दुनिया की ऐसे हल होती हैं थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू मैं सीरियसली मुझे बड़ा दुख होता है मैं कुछ मैंने वाकत पिछले दिनों पढ़े हैं मुझे अंदर से बहुत तकलीफ है इस चीज़ की इंसान की जान ऐसे नहीं जानी चाहिए अगर मरने के बाद सुकून आ जाए तो उनका ये उनकी गलत फहमी है अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो सुकून नहीं है हदीस में है कि जो जिस तरह सुसाइड करके मरता है तो मरने के बाद जानने में वो उसी अमल को बार बार दोहराता रहेगा अल्लाह तो मरने के बाद सुसाइड सुसाइड के बाद मरने के के बाद बाद हां सुसाइड यानी अगर कोई सुसाइड करके मरता है तो ये सुकून का नतीज़, इसका नतीजा सु, सुकून नहीं है मरने के बाद और तक ये उसका सिलसिला चलता रहेगा वो एक नए अजाब में अपने आप को मुतला कर रहा है तो कहते हैं कि जी तो चाहता है कि मर जाएंगे मर के भी सुकून ना मिला तो किधर जाएंगे? किधर जाएंगे तो मरने के बाद अगर कोई सुसाइड करके मरता है तो सुकून नहीं है बल्कि अगर अल्लाह ना करे किसी ने जहर खाया है गोली मारी है छुरी चलाई है और इस तरह किसी को कत्ल किया है या खुद मरा है तो हदीस में, कि मरने के बाद में वो बार बार इस अमल को आएगा। फिर उसे देगा। वो फिर अपनी अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा तो कंटिन्यू विल, विल करते हैं आज तो पंद्रह रमजान के हवाले से मैं बात करनी है आ, सुन लिया आपने ब्रेक ब्रेक से वापस आता और आज प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह मैंने बात की थी कि आज हम सलाम पेश करेंगे नजाना अक़ीदत पेश करेंगे आ, कुछ सवाल तो है नहीं हमारे पास आ, आपके जाहिर सी बात है इमाम हसन रजी अल्लाह के हवाले से आ, हमारे पास जो हमारे कराम यहाँ मौजूद हैं आ, ये बस एक प्यार एक मोहब्बत पेश करेंगे हज़रत आज आज, आज आपसे बात बड़ी कम हो पाती है

की शान तो इन का नाम बयान करेंगे ही मैं आपको बचपन का एक वाक़ा दोनों शहजादों का सुनाता था सुबह जिससे उन्होंने एक बड़ी उम्र के सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी की असलाह की थी उन दोनों शहजादों ने वज़ू करते हुए एक बाबा जी को पाया साहबी रजी अल्लाह तो उनके वज़ू में कुछ कमी थी दोनों भाइयों ने आँखों आंखों में आई कॉन्टेक्ट किया बोला यार अब भाबे को किसान समझाएं तो बहर अल जी उन्होंने बा जी अलगम चचा जान वालेकुम् बेटा बोला बा जी हम दोनों भाई वज़ू करते हैं तो आप जरा हमारे वजू को चेक कीजिएगा बताइएगा किसका वजू सही है किसके वजू में कराबियाँ कमी है दोनों शहजादों ने वज़ू किया बाबा जी को समझ में आ गई यार इनका वजू तो नूर ना ला नूर है कमी तो नक्स तो मेरे वजू के अंदर था दोनों को जफी लगाई बोला बेटा तुम लोगों ने जितना मेरी असलाह की है अल्लाह तुम्हें इसकी जदाता पर सुबह जरा सोचिए आज के दौर में आज के दौर में क्या हम किसी की इस तरह असलाह कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन अगर ये उस इख्तियार किया जाए तब के दोनों ने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की फिर एक और बचपन का है अजीम वाक्य इमाम हुसैन रलियान और इमाम हसन भाई हैं भारत किसी बात में जवानी का वाक्य ये इख्तलाफ या किसी बात पर नचाकी हुई बात बंद हो गई एक दिन दो दिन तीसरे दिन इमाम हुसैन पैगाम भिजवार ऊलम के ज़रिए भाईजन से कहो मेरे से आके बात करें भाईजन ने कहा यार जाके कहो छोटा है तो छोटा ही रहा मतलब कि ऐसे मुझे कह मैं आके पहले बात करूं फिर पैगाम भिजवाया नाना जान ने फरमाया था कि किसी भाइयों को रवा नहीं है कि तीन दिन से ज़्यादा मंद रखें लेकिन जो पहल करेगा सलाम करने में या बात करने में वो पहले जन्नत में जाएगा तो ये कैसे हो सकता है छोटा भाई हो के मैं पहल करूं बाद और बाद मैं पहले जन्नत में जाऊं आप बड़े भाई पहले जन्नत में आप जाएंगे अल्लाह अल्लाह ये मोहब्बतें कहा हैं पता नहीं कहाँ चली गई हैं लेकिन है मौजूद हम आगे डिस्कस तो करें आगे बताएं तो सही सीखें तो सही कि क्या तरीका कार रहा है इन्होंने इन्होंने किस तरह तो से उम्मत किस ला की फिर मेरे नबी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या इरशाद फरमाया कि ये मेरा बेटा मुसलमानों के दो ग्रोहों में कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा बड़ी ताकत थी बड़ा ब, ब, मैंने टक्कर का मुकाबला था सब कुछ कर सकते थे लेकिन अपनी खिलाफत छोड़ कर कहीं मुसलमानों में इफ्तराक, इंतार खून दंगा फसाद ना हो जाए कौन सीट छोड़ता है ये आज के हुक्मरानों को इन्होंने दर्श नहीं दे दिया कि यार तुम लोग सीटों के पीछे कितना कुत्ता ख्वारी कर रहे हो कुत्तों की तरह लड़ते हो हैं और देखो मैं हकीकी सही हकदार होते हुए जगह छोड़ रहा हूं स्पेस दे रहा हूं कि यार आओ खुदा के वास्ते बैठ जाओ खूने मुसलमान इतना इर्दा नहीं है कि इसको अहम खाम खाए के सीट के पीछे जो है ना जया कर दिया जाए इकतार की जंग नहीं बनाई इकदार को ऊपर किया कदरों को नाफिज किया वैल्यूज को इस्लामी वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करवाया और कहा चलो छोड़ो फिर आपका अच्छा हम देखते ये भी है कि इमाम हुसैन के साथ चूंकि करबला का सीन बहुत बड़ा है तो इमाम हसन की शायद कुर्बानियां दब जाती हैं किसी वजह से शायद मेरे अल्फाद अगर गलत है अल्लाह मुझे माफ करे इमाम हसन ने कम कुर्बानी नहीं दी इमाम हसन के साथ जो कुछ हुआ वो तारीख में भी मौजूद है रिवायात में भी मौजूद है हमें उसको डिस्कस करना चाहिए अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए इनकी तरबियत इस नहज पर करनी चाहिए कि यार इस्लाम ने कभी भी इकतदार को फ़ोकियत नहीं दी हमेशा कदरों को इंसानियत को फ़ोकियत दी आज हम फखर से कह सकते हैं हाँ हम इमाम हसन के मानने वाले हैं अलहदुल्ला हम हसनी हैं भाई हम हुसैनी भी हैं कि जो हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी दी उस कुर्बानी को पाए तकमील तक पहुँचाया छोटे भाई हुसैन ने करबला बेशक अल्लाह ताला हम इनके ऊपर करोड़ा रहमत इनके के हम, हम। साथ मामी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और वाकई ये हकीकत है और जब हम बात करते हैं ख़ास तौर से करबला के हवाले से जब बात होती है तो हजरत अब्बास के हवाले से ज़रूर बात होती है कि आपने जिस तरह से आलम उठाए रखा और जिस तरह से लेकिन वहाँ पे हजरत अब्बास ये भी फरमाते हैं कि उनकी जो पूरी ट्रेनिंग है उसमें हज़रत इमाम हसन शामिल हैं और उनको उस जगह तक पहुंचाने में हजरत इमाम हसन की पूरी वो ट्रेनिंग थी जो आपने हजरत अब्बास को दी हजरत अब बात चल रही है तो हम चाहते हैं कि सब अपना अपना हिस्सा थोड़ा सा जो अक़ीदत का होता है उसमें बसमलर रहीम नाहमदूहन आला रसूल करीम आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये अकीदत के इजहार का मौक़ा है और अभी मौलाना शरियार दाऊद साहब फरमा रहे थे कि तारीख़ के दो पहलू हैं और एक मुसबत भी है और एक यकीनन मनफी भी है और मुसबत इसलिए होता है कि हम देखें कि हमारा माजी कितना दरकशा था और उस दरक्षा माजी से कुछ फ़ैद हासिल करके मुस्तबिल को भी खूबसूरत बनाएँ और जो तारीख़ के कुछ दागदार पहलू होते हैं या क्रबनाक और तकलीफ़ देह अबाब होते हैं जिन्हें पढ़कर जब कभी पढ़ने बैठो तो आंखें अशकबार होती हैं और दिल गम से भर जाता है तो उनसे सबक लेना चाहिए ठीक उनसे सबक़ सीखना बिल्कुण। चाहिए उम्मत मुस्लिम का इस बात पर इतफ़ाक़ है कि ये कुरान करीम फुरक़ान हमीद जो तीस पारों पर छः हज़ार दो सौ छत्तीस आयात पर पाँच सौ तो चालीस रुकूआत पर मबनी हैं सात मनाद जिसकी मुकर की गई हैं ये वही कुरान है जो जनाब नबी करीम अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आपने इसकी तरतीब तो़ी करवा कर साहब कराम के और अहले बैद के सपोर्ट किया इसी कुरान में अल्लाह रब्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का एक मकसद युजक़ की हिम बयान फरमाया है और चार मरतबा कुर करीम में इस बात को जिक्र किया है कि नबी करीम सल वम का एक मकसद हयात और मकसद बेसत ये था कि आप अपने सिहाबा में अहले बैत का तजकिया फरमाएँ यानी उनके दिल से हर किस्म के दुनियावी मफाद को मनफाद को इसमें इकतदार की जो जंग है वो भी शामिल है इन सब से आप उनके दिलों को पाक कर दें और औरत साहब कराम ने किश्वर कुशाई जो फरमाई वो किसी सल्तनत के हसूल के लिए या किसी माल ज़र के फ़ायदे के लिए नहीं फरमाई बल्कि नबी करीम सल वसम का वो दौर जब जनाब अबू तालिब ने आपको बुला कर कहा था कि मेरे भतीजे अब क्रैश का और कबाइल अरब के जो मतालबात हैं और जो दबाव है और प्रेशर है वो बहुत बढ़ गया है और इन्होंने आकर ये पेशकश की है कि अगर आप हसीन से हसीन औरत से निकाह करना चाहते हैं तो बताइए अगर आप हुमरानी चाहते हैं सरदारी चाहते हैं तो बताइए और अगर आप माल दौलत चाहते हैं तो वो बताइए हम आपके कदमों में ला ढेर कर देंगे हजूर ने तोक़ुफ़ किए बग़ैर फ़रमाए तो चेजान ये तो इनके बस में है मुमकिनत में से है वो जो इनके बस में नहीं अगर ये एक हाथ में चांद ला के रखें और दूसरे में सूरज ला के रखें तो भी मैं मोहम्मद उस काज और काम से बाध नहीं आऊँगा जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है और आप ही की दावत पर हजरत अली रजी अल्लाह तन ने उस वक्त जबकि आप खुद फरमाते हैं कि मेरी आंखों में आशोब है आंखें दुखने को आई हैं और मेरी पिंडलियां अभी बहुत कमज़ोर हैं और ये बड़े बड़े सरदार सर झुका कर बैठे हैं जब आप फरमा रहे हैं कि कौन अल्लाह के दीन के लिए मेरा साथी बनेगा यार रसूल्ला मैं हूँ मैं आपके साथ होऊंगा और फिर वक्त ने साबित किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर दौर में हर बात में हर वक्त हर लहजा आपका साथ दिया आपके दीन के अलमबरदार बरदार बने यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब खिलाफत अबू बकर सिद्दीक को मिली तो आप अब भी दीन के अलमबरदार हैं फारूक आजम को मिली तो आप अब भी दीन के लम्बरदार हैंरतर स्स्मान गनी के पास आई तो आप अब भी दीन के लम्बरदार हैं स्स्मान गनी ऱी अल्लाह तैन की शहदत हुई तो आप अब भी दीन के लम्बरदार हैं और आपकी ये तरबियत आपके बच्चों में मुंतकिल हो रही है और अल्लाह के नबी असलम की पेशीन गोई थी हज़रत हसन रजी अल्लाह आपने गोद में उठाया हुआ था और मंबर पर आप तशरीफ़ फरमा थे और कभी हदीस में आता है आप मजमे को देखते कभी अपने बेटे हजरत हसन को देखते और इमाम जौदी ने इमाम इबन असाकर ने और दीगर महदसिन ने यह लिखा है कि नबी करीम सल के बेटे इब्राहीम को जो अल्लाह ने ले लिया था तो आप बहुत उदास थे और बहुत रो रहे थे तो आपसे कहा गया कि यारसोल्ला आप दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह इसकी जान बचा ले आपकी दुआ मुस्तजाब दावत हैं आप दुआ है। फ़रमाएँगे कि अल्लाह इसकी जान बख्शी फ़र इसे ज़िंदगी फरमा तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल फ़रमाएगा तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताली ने हर नबी की एक दुआ कबूल करना लाजिम ठहराया है और हर नबी ने एक दुआ मांगी है जो अल्लाह ने लाजमन कबूल की है मुझे भी ये हासिल है लेकिन मैंने अपनी उम्मत के लिए उस को तक के लिए कर दिया है के मैं अपनी उम्मत के लिए उस वक्त दुआ मांगूंगा जब मेरी रहमत के अलावा उनके लिए कोई आसरा और कोई सहारा और कोई आस मौजूद नहीं होगी चुनाच नबी हजरत हसन को देख कर फरमाते हैं ये मेरा बेटा सैदा सरदार होगा वहा

अल्लाम आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद हजरत इमाम हसन के हवाले से आज जो भी हम नजर अक़ीदत पेश कर सकते हैं कर हज़रत मेरी ज़रा सी आ, जो इंफॉर्मेशन है या जो भी मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ गया उसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा तारीख में मुझे हजरत इमाम हसन हज़रत इमाम हसैन से पीछे कहीं भी ये नाम नहीं मिलते जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, ही। ऐसा ही कहीं भी सो so, जब मैंने ये तलाश करने की शुरू की तो पता चला कि हज़ूर पाक के पास हजरत जब्राई सलाम आए और उन्होंने आके ये नाम पेश किए तो ये बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल है जी हाँ बसमल रनिम पंद्रह रमज़ान मुबारक हज़रत इमाम हसन मुशतबा की विलादत बासादत की तारीख़ है पंद्रह रमज़ान मुबारक सन सनतीन हिजरी मदीन मनवरा में आपकी विलादत बासादत हुई हज़रत बीबी फ़ातिमत जजहरा सलामल और अमीर ममौिन हज़रतम के घर में पहली खुशी है रसूल एकरम सलीसम को जब यह खबर मिलती है तो आप ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं और आप इस अपने नवासे को बड़े नवासे को अपनी गोद में उठाते हैं उनके कान में आप अज़ान देते हैं और उसके बाद इमाम असलम का इसम ग्रामी आप ख़ुद इंतखा फरमाते हैं और जिस तरह आपने इशार फरमाया नहीं कि रसूल एकरम सल वसम अल्लाह के हबीब और नबी होने के नाते ज़ाहिर अपने तमाम अमूर को अल्ला रबुल्ज़त की वही के दायरे में ही अंजाम देते हैं तो इमाम हसैन मुशतबा का इसमें गरामी आपने इंतार फ़रमाया और उसके बाद भी मदीन मनवरा में बाद में इमाम हुसैन आलाम की विलादत हुई ये दोनों शहजादे हमेशा रसूल एकरम सलीसम के महबूब रहे आपके बाद में हज़रत इब्राहीम की भी विलादत हुई और तकरीब अठारह महीने तक वो भी ब़ैद हयात रहे लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप अगर देखें रिवायात के अंदर तो इमाम हसन और इमाम हसैन अल से बेश इतनी बेश शदीद मोहब्बत है कि रसूल अक्रम सद फ़रमाते हैं अल्लाम उहिबुल हसन फ़ाहब ए परवरदिगार में इमाम हसन मुशतबा को दोस्त रखता हूँ बस तू भी इसे दोस्त रख और उसके बाद ये फरमाते हैं कि जो भी इन दोनों को दोस्त रखे वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दोस्त बने फिर उसके बाद आपने एक मरतबा ये भी इरशाद फरमाया कि मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़कत अहब बनी जो इमाम हसन और इमाम हसैन आल्लाम से मोहब्बत करे उसने गोवा कि मुझसे मोहब्बत की मन अबगद होमा फ़कत अब, अब और जिन्होंने उनके साथ बोझ रखा उनसे अदावत रखी उन्होंने गोया कि मुझ रसूल के साथ अदावत रखी और रसूल के साथ अदावत रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अदावत रखने के मुतरद आप सल्लाम हज़रत इमाम हसन स्ल्सम और इमाम हसैैन आलम की मोहब्बत का आम तौर पर लोगों के सामने जो ताक़द फ़रमाते थे अस में असल में उसके हवाले से कर्न करीम की आयत करीमा भी थी कि कर्न करीम के अंदरल्हर रब्जन ने फरमाया कि्ला असअलकुम आल आजरन अलमवदफ़िलक़रबा कि हबीब आप इन लोगों से फ़रमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजरसाल तलब नहीं करता अलमवदफ़िलकरबा मगर ये कि मेरे जवील क़रबा की महब्बत और मददत को अपने दिनों में रख लें लोगों ने अर्ज़ किया कि यार रसोल्ला वो कौन है जवीलकौरबा के जिनके मोहब्बत को दिलों में बसाने का अल्लाह रबुल्ज़त ने हमें हुकुम दिया है तो उस मौके पर आपने शाद फरमाया था वो अली हैं वो फ़ातिमा हैं वो हसन हैं और वो हुसैन हैं तो ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनके जिनकी शान में अल्लाह रब्लत ने आयात नाजिल फ़रमाए इसी तरह आप आए ततहर को आप देख लीजिए इन नमा यूरीद हिबान कुमर साहलैत व्यूत हिर ततिररा रवायात के अंदर है कि जब रसूल अक्रम ससम एक चादर यमानी लेकर तशरीफ़ लाए और उसके बाद उस चादर के नीचे आपने अमीर और मोमिन हज़रतम को भी लाया और हज़रत बीबी फ़ातम तोज़रा सलामल हाँ को भी उस चादर के नीचे आपने लिया इमाम हसन मुशतबा को भी और इमाम हुसैन आसमाम को भी तो उस मौके पर अल्ला रब्ज़त ने आए तथहर जो है वो नाजिल फ़रमाए ना। और इस आए ततहर के नज़ुल के बाद जितने महीने भी रसूल अक्रम सम रहे आप हमेशा मस्जिद नबवी जाते वक्त आप ज़ाहिर है बाहर के गेट से जाते थे वैसे तो मस्जिद की जानब भी आपका दरवाज़ा खुलता था जब भी जाते थे हजरत बीबी फ़ातम तज़ा तो सलाम के घर के सामने खड़े होकर आप फ़रमाते थे असलम आलकम यह बैत नबूा आहल बैत नबू कहकर आप सलाम फ़रमाते थे इसी तरह आप आए मुबाहला को आप देख लीजिए इमाम हसन मुशतबा और पंडित ने की सच्चाई और सदाक़त काबुल्ज़त हाँ, ने वहाँ पर एलान फरमाया कि फ़मन हाथ जकफ़ीबाद जाकम फ़कुल व अबना अना व अबना अकम व नसा अना व नसा अकम व अनफुस अना व अनफुस अकम तुम्नब तहल फनज अल्लाका नसाराय नजरान के लोग आए थे आपने उनको समझाया कि हजरत ईसा आल्लाम्ला रब्ज़त के बंदे हैं अल्ला रब्ज़त के बेटे नहीं जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम को हजरत होवा को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया इसी हजरत ईसा सलाम को भी लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हो तो आखिर में फैसला जो है मुबाह के ऊपर होने का तय हुआ तो मुबाहे में आप कौन लेकर किन हस्तियों को लेकर जा रहे हैं आ, आप जो है अबना अना की जगह जो है इमाम हसन अल्लाम और इमाम हुसैन ले को लेकर ले 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 जा रहे हैं आप की जगह फातिमा आपबी फातम और अनफुसना के तौर पर आप मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अलीबनबी तारिब को लेकर जा रहे हैं तो ये वो हस्तियाँ हैं और इसी तरह आप हादीसी नबूविया को अगर आप देख लें तो पैगम्बर अकरम का वो फरमान काफी मशहूर है कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबन्ना अहिल जन्नत हाँ। के जो सईद और सरदार होंगे वमाम मसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ता गी हो गए पैम्बर अकम सल्ला व् मदीन मनवरा के अंदर ईद के अया में जब जाते थे इमाम मसन आल्ल और इमाम हसैन अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पर रख कर आप हाँ। जाते थे और लोग कहते कि ने मर तो उस वक्त पैगम्बर अकम फरमाते कि मेरे कंधे के ऊपर जो सवार हैं उनकी भी तारीफ़ कर तो इनकी शान बहुत बुलंद है बहरहाल हमारे पास वक्त कम है लेकिन ऑब्वियसली इतनी सारी बातें हैं और इतने सारे चीज़ें मैं च, आ, हम लाहौर में चूक अज़ान का वक्त हो गया तो हम ब्रेक लेंगे बस अज़ान सुन के वापस आते हैं वा दाएं दाएं जी अलैक् डॉक्टर साहब मैं इसलिए मैं, मैं ज़्यादा बातें नहीं बसम हज़रत इमाम हसन आलाम जब विलादत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहनीक फरमाई मैं सिर्फ चंद बातों का इजाफा जो इससे पहले नहीं हुई तहनीक फरमाई तानी यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर अपने मुँह मुबारक में लेते उसे खूब चबाते और जब वो लुआब दहन के साथ मिक्स हो जाती तो आप सलाम ने अपने साहबजादे के मुँह मुबारक में उसको शामिल फ़रमा हो अपने दस्ते मुबारक से आपके सर मुबारक पर खुशबू मिली आपके सर मुबारक को मंडवाया और जो बालों के वज़न के बराबर चांदी है वो अल्लाह तबारक व के रास्ते में सदका करी और उसके बाद अलैहि वसल्लम ने सात दिन के बाद आप रज़ी अल्लाह तुम की तरफ से दो मेंढे अकीके में बा फ़रमाए और फरमाया कि दिखाओ मेरे बेटे का तुमने क्या नाम रखा है तो अर्ज़ की गई यार रसूल अल्लाह सल वम मैंने इनका नाम हर्ब रखा है फरमाया हज़रतली तो ने फरमाया तो हज़ुर वसल्म ने फरमाया कि नहीं ये हर्ब हाँ नहीं ये हसन है और ये नाम अल्लाह तबारक व ताल जबरील अमीन के ज़रिए से मुझे अता फ़रमाए हैं और जब से कायनात बनाई गई है अब तक ये नाम परद ख़िफा में रखा गया अल्लाह अकबर और अल्लाह तबारक व ताली ने यह नाम मेरे बेटे के लिए मंतख फ़रमाया और मैं यहाँ पर यह बात ऐड करूँ कि हज़रत इमाम हसन आसमाम के बारे में ख़ुद हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी करीम सल वम के चेहरा मुबारक से सबसे ज़्यादा अगर कोई काना कायनत में हुजूर की मुशाबाह रखता था तो वो इमाम हसन सलाम की फरमाते थे मुझे खुशबू आती जन्नत के फूल आपको करार दिया और फरमाया कि जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और हजरत इमाम हुसैन अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब ये वाक आपने सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए इमाम अहमद बिन हम्बल में रवायत करते हैं हुजूर वसलाम ने फरमाया फर, के इमाम हुसैन इस बात को रक, नकल करते हैं फरमाते हैं कि हम अहल बैद की मोहब्बत में जिसकी आंखों में आंसू आ गए अल्लाह ताला इस अमल को उसकी बख्शिश का बाइस बना देगा और इमाम हसन सलाम का आलम यह था कि जब नमाज के लिए वजू फरमाते तो अल्लाह तला के खौफ से आपका जिसमें मुबारक कांपने लगता और अल्लाह तबारक व ताल की बारगाह में आप हाज़िर हो जाते और मैं यहाँ पर यह बात अर्ज़ करूँ कि एक मरतबा इमाम हसन इमाम हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह तनो मजमिन हज के सफर के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं रास्ते में उनका ऊँट सवारी कहीं पीछे रह गई अब उनके पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया तो एक बूढ़ी औरत के घर आप तशरीफ़ ले गए तारफ़ नहीं था उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे घर में बस ये बकरी है आप ज़बह कर लें इन तीनों शहजादों ने बकरी को बा किया खाना तनावुल किया जब हज से वापस आए तो मदीना तैयबा में एक दिन देखा गया कि वो बूढ़ी औरत वहाँ भीख मांग रही है फ़कर्र फाक़ा की कैफियत में लोगों से सवाल कर रही है तो इमाम हसन सलाम ने उसे अपने पास बुलाया और फरमाया क्या तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ तो कहा कि नहीं फरमाया हम वही हैं जिसके लिए तुमने अपनी एक इकलौती बकरी ़बा कर दी थी आपने एक हज़ार बकरियाँ अता फ़रमाईं एक हज़ार दीनार अता फ़रमाए फैसल भाई एक दिनार आज के दौर में 4.25 ग्राम गोल्ड होता है 25 24 कैरेट एक हजार दिनार और एक हजार बकरिया फरमाया तो फरमाया कि मेरे भाई ने कितना अता किया आपने भी एक हजार बकरियां और एक हजार दीनार अता फरमाए फिर अब्दुल्ला बिन जाफर के पास भेजा फरमाया मेरे दोनों भाइयों ने क्या अता किया तो आपने उन दोनों के बराबर दो दो हजार बकरियां और दो दो हज़ार दीनार उस औरत को अता फ़रमाए वो आई थी मदीना तैयबा में तो फकीर और भीख मांगने वाली थी जब अहल बैत ने अता किया तो मदीना तय्यबा की सबसे अमीर तरीन औरत बन गई और मैं यहाँ इमाम अहमद बिन हमल की किताब से साब हदीस रवायत कर दूँ हज़ू सलाम ने फरमाया अल हसन अल हसन अबनि यश बहू हज़रत अबू जहैफ़ा हुफ़ा जो है वो रवायत करते हैं कि इमाम हसन सलाम के सबसे ज़्यादा मुशात रखने वाले थे हजू साम ने इन्नी उहिब बहू एरब करीम में हसन से मोहब्बत करता हूँ फिहिब बहू तो इससे मोहब्बत फरमा व अहिब ब मई युहिब और जो हसन से मोहब्बत करे तू भी उसे अपना महबूब बना ले और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजूर आल सलासलम ने हज़रत अली इमाम हसन हुसैन और सयदा पाक आलिम को देखा और फरमाया अना हर लिमन हार जो तुम से जंग करेगा मैं उससे जंग करता हूँ वसल मुन लिमन सालामकुम और जो तुम से सलामती और अमन कर ले फरमाया मैं भी उसके साथ सलामती और माहिद अमन की तरफ़ बढ़ने वाला हूँ हज़ू सलात वसलाम हज़रत अबू बकरीक रदी अल्लाह तनों के बारे में हज़रत अबा बिन नाफ हज़रत अबा बिन हारिस रावी हैं कहते हैं कि नमाज असर में हज़ुर की वफा के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तन के साथ रवाना हुए तो फ़रमाते हैं कि सदीक़ अकबर रदी अल्लाह तनों हज़रत अली रदी अल्लाह तु के पास से गुजरे और हज़रतली रदी अल्लाह तु के साथ इमाम हसन रदी अल्लाह तन भी थे और वह बच्चों के साथ खेल रहे थे तो फमलह अला रकबती ही तो सिद्दीक़ अकबर ने हज़ूर की सुन्नत अदा करते हुए इमाम हसन को अपनी पुष्प पर बैठा लिया अल्लाह और क्या फरमाते हैं फ़रमाते हैं कि ए अली मुझे अपने मुझे अपने वालद याद आ गए मुझे अपने बाप की कसम यह अरबों का एक तरीक़ा था फरमाते हैं ए शिबी ये तो मेरे नबी की मुशावत आपकी शक्ल में नहीं मिलते तो हजरत अली ने यह बात सुनी तो आप मुस्कुरा उठे और क्या बात कही जाए कि हदीस शरीफ के अंदर यहां तक आता है देखिए ये, ये सिर्फ हुजूर के लिए खास है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों शहजादों के हाथों को पकड़ते अपने पाओ की पुष्ट पर उन्हें खड़ा करते और अपने जिसम मुबारक पर चढ़ाया करते थे और फरमाते थे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे आगे बढ़ो अब हुजूर हुतम का कुल कायनात अदब करती है लेकिन हुजूर हजूर ले सलाम नमाज़ में सजदा करते हैं तो हसनैन करीमैन पुष्त पर सवार हो जाते हैं आपका लुआब दहन बहता है तो हुजूर हजूर सलातम के लिबास मुबारक पर आता है हुजूर हजूर सलातम आपको सूंघते हैं और चूम लेते हैं और सिर्फ यहाँ पर एक हदीस में बयान करूँ कि हजूर सलाम मंबर पर खुदबा इरशात अल्लाह क्या वाक्य है और ये ये वो खुतबा है कि जिसको फरिश्ते भी सुनकर नास करते हैं तो हदीस में आता है कि हुजूर हज़ुर सलातम ख़ुदबा रहे हैं वह हसन माहू और इमाम हसन खुद में साथ बैठे हुए हैं और हज़ूर सलातम तो कभी आपको देखते हैं और कभी मजमे को देखते हैं और फरमाते हैं मेरा ये बेटा सैयद है उम्मत के दो ग्ररोहों में ये 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 सुलह करवाएगा और एक हदीस में यहाँ तक है कि सैयद पाक ने आप दोनों को सुर्ख जोड़े में तैयार किया और हज़ू सलाम की तरफ रवाना कर दिया और मदीना तय्यबा में आप सल खुदबा खुदबाशात फरमा रहे हैं जब हसनैन करीमैन को देखा कि वो छोटे बच्चे हैं चलते हुए आ रहे हैं कभी गिरते हैं कभी फिर खड़े होते हैं तो आप ने खुतबा रोक दिया खुतबा रोक दिया मेंबर से नीचे तशरीफ़ लाए दोनों को उठाया अपनी गोद में बिठाया और फिर कुरान मजीद की आयत मुबारक की तलावत फरमाई तो मैं अपनी बात को यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर इमाम हसन हुसैन आसलम की शान को बस अगर उसका अंदाज़ा ही हो सकता है कि जिनके शान में आयत मबदत नाजिल हो रही उनकी मोहब्बत को अल्लाह ने जज्ब ईमान करार दे दिया आपकी मोहब्बत और मबदत को ईमान का तकाजा करार दे दिया आयत तथीर नाजिल हो रही है आयत मुबाहला नाजिल हो रही है और क्या कहें कि हुजूर हज़ूर सलात वसलाम की जो मुबारक शबी हो जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तो शाम चले गए हुजूर के ख्वाब में ज्यारत हुई कि ए बिलाल आप तो शाम हमें भूल गए आप तो वाल के बाद आते ही नहीं तो जब मदीना तयबा आए तो अज़ान नहीं दे रहे थे तो साहबा के राम ने कहा ए बिल वो अज़ान सुना दें तो फरमाए मेरी जरूरत नहीं है लेकिन इमाम हसन और हुसैन जब आपके गले लगे और कहा कि हमें नाना जान के दौर अजान सुना दें तो कहते हैं जब हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा तो मदीना में और जब इलाह इल्ला इल्ला कहा, तो धाड़े मारते हुए रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ भागे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हजूराम अनवर से बाहर तशरीफ ले तो ये हसनैन करीमैन की मोहब्बत है जो अल्लाह तहाबा के दिलों में डाल अल्लाह अल्लाक हज़रत बसमी क्या बात रज़ा उस चमन करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल इमाम हसन नजपाल सरकार आप नबी पाक सल्लल्लाहु तै का वबारक वसम के गुलशन का वो महकता हुआ फूल हैं कि नबी पाक सल्ला के वबारक वसल् आप को देख कर रिशात फ़रमाया करते थे फिदा का अभी व उम्मी हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान सारी कायनात नबी पाक को अर्ज करती कि यार हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो इमाम हसन की वो शान है कि नबी पाक अली सलाम फरमाया करते थे कि हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो फिर उसके बाद मैं ये अर्ज कर दूँ कि आज कमरी एतबार से चौदह सौ चालीसवा योम है इमाम हसन नजपाल सरकार का और शमसी एतबार से चौदह सौ दो योम योम विलादत है कमरी अतबार से चौदह सौ चालीसवा योम विलादत है और शमसी एतबार से चौदह सौ दोवा आपका योम विलादत है इमाम असल नेजपाल सरकार को हमसे जुदा हुए आज तकरीबन तेरह सौ तिरपन शमसी साल गुजर चुके हैं Allah. और तेरह सौ पचानवे कमरी साल आपको हमसे जुदा हुए गुजर चुके हैं सईदा पाक के बारे में मैंने एक रिवायत पढ़ी कि सईदा पाक मेरी अम्मा जान सईदा फ़ातमत ज़ारा रदी अल्लाह ता नबी पाक की दुनिया से रुखसती के बाद इमाम हसन को गाये ब गए एक दर्श दिया करती थी और वो कहा करती थी कि बेटा तुम घर से बाहर ना जाया करो तुम ज़्यादा देर घर से बाहर ना रहा करो तो आपने पूछा कि अम्मा जान उसकी वजह क्या है फरमाया कि तुम्हारा ये जो चेहरा है ना ये बिल्कुल मेरे बाबा जान की तरह है मैं इसको देखती हूँ तो मुझे तसली होती है तो तुम मेरे आस पास रहा करो तुम्हें देख कर मुझे तस्किन मिलती रहती है अब आप ये देखिए कि जुमले कौन कह रहे हैं कि ये सईदा पाक खुद कह रही हैं सईद कायनात सईदा फ़ातिमत ज़ारा जिनके बारे में मेरी अम्मा जान सईद आयशा सिद्दीक़ा ररमाया करती थी कि माँ राई तू अहद अश बबी रसोल्ला सल असलम के मैंने रसूल्ला से ज़्यादा मुशाबा सईदा पाक से बढ़ कर किसी को देखा ही नहीं गोया के सईदा फातिमतारा का जो पूरा जो मुराकबा किया है वो सईदा आयशा सिद्दीका ने किया है और आप उस तरफ देख लीजिए मौला कायनात का, का मराकबा कौन कर रहा है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं कि अन नजर वज इबादा कि मौला कायनात का मराकबा सिद्दीक़ अकबर कर रहे हैं सयदा पाक का मराकबा सीदा पाक का मराकबा सीदा आयशा सिद्दीका कर रही यहाँ मैं एक बात और एड करना चाहूँगा कि हमारे कुछ दोस्त हैं डॉक्टर हैं बच्चों के डॉक्टर हैं आप भी बच्चे हैं आपके भी हैं मेरे भी हैं मैं बच्चों को अक्सर डॉक्टर के पास लेकर जाता था उस वक्त जब छोटे थे तो एक दिन मैंने डॉक्टर साहब से पूछा मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि माँ बच्चे को यहाँ क्यों उठाती है इस जगह उठाना तो बच्चे को यहाँ चाहिए ज़्यादा बोला माँ जब थक जाती है बोला आम लोग तो ये कहते हैं कि वो यहाँ उठाती है तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बात मुझे समझ नहीं आती कि माँ कभी थकती नहीं है माँ के मिजाज में अल्लाह ने थकना वाला नाम नहीं लिखा हुआ तो उन्होंने कहा यार ये तो आम बात है लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि यहाँ पर एक नस होती है वो जैसे जैसे दबती है तो वैसे वैसे बच्चे की मोहब्बत माँ के दिल के अंदर करार पकड़ती जाती है और माँ की मोहब्बत बच्चे के दिल के अंदर करार पकड़ती जाती के है त्रिमिदी शरीफ की मुबारक सुनिए हजरत ओसामा बिन जैद कहते हैं रात का वक्त था मैं नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ कोई काम था नबी पाक से कुछ बातें की आपने चादर उड़ी थी तो मैंने देखा आप सल्ला अलैहि मुबारक वसलम की चादर मुबारक के अंदर कुछ हरकत हो रही थी दोनों जानब जानेब इस जानब भी और इस जानब भी तो जब मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो मैंने पूछा कि या ये क्या मामला है तो आप ने चादर उठाई तो एक तरफ जो है हजरत इमाम हसन पाक थे और एक तरफ इमाम हुसैन पाक थे नबी पाक ने उस वक्त रिशाद फरमाया कि जैद इन दोनों से मैं मोहब्बत करता हूँ और जो इनसे मोहब्बत करता है मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ और ऐसे आसमान की तरफ देख कर कहा कि या ला, जो इनसे मोहब्बत करे तू इनसे मोहब्बत कर जो इनसे बुग्ध रखे तू तू इनका उनका दुश्मन बन जाए अल्लाह तू उनसे दुश्मनी फरमा उनका बुरा अंजाम फरमा इसका माना यह होगा फिर इसी तरीके से मैं एक और आम बात का यहाँ पर इजाफा करना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला को व सल्लम के एक सहाबी हैं हजरत अबू रहरा उम्र आपकी बहुत ज्यादा हो गई थी उस वक्त और कहते हैं कि आपकी नज़र भी कमजोर हो गई थी उस वक्त तो उस वक्त हज़रत इमाम हसन चढ़ती जवानी में थे इमाम हसन जब आपके पास आए तो हजरत अबू तआला रही ने आपको पहचाना नहीं वो खड़े नहीं हो सके साहबा ने बताया कि इमाम हसन आ गए फौरन हजरत अबू अबो खड़े हो और खड़े होकर आपको गले से लगाया और गले से लगा कर आपने जुमला कहा या सही दी या सही दी ऐ मेरे आका ए मेरे मौला ए मेरे सरदार ए मेरे मज्जा ए मेरे मावा इसका जो भी तर्जमा कर लें आप साहबा ने पूछा और एक रिवायत में आता है कि मरवान ने पूछा अल्लाह तला उसका बुरा हसर फरमाए मरवान ने पूछा मरवान ने कहा कि बताइए कि आप आखिरी लमहत थे हज़रत अबू रहरा के दुनिया से जाते हुए उस वक्त शदीद बीमार थे वफात में थे तो कहा यह बताइए कि मैंने आपकी ज़बान से सारी ज़िंदगी मैंने किसी और का तस्करा नहीं सुना मदीने के अंदर और भी तो बहुत लोग रहते थे आप या तो इमाम असन का तस्करा करते थे या तो इमाम हसन का तस्करा करते थे तो आपने फरमाया और आप इमाम असन को सैद क्यों कहा करते थे सैद का माना सरदार है आका है मौला है आप क्यों कहा करते थे तो हज़रत अबू हरियाणा रजील्लाद ने इशात फरमाए सुनना चाहते हो तो सुनो मैंने अपनी आँखों से देखा इमाम हसन नजपाल सरकार नबी पाक अलीसलातूलम की मुबारक गोद में तशरीफ़ फरमाए हजर ख़दमत हैं और नबी पाक की मुबारक दाढ़ी के अंदर उनकी उंगलियाँ हैं नबी पाक की मुबारक दाढ़ी से खेल रहे हैं और कह रहे मैंने देखा कि नबी पाकलातूलम की मुबारक उंगली जो है इमाम हसन के मुबारक मुँह के अंदर है और ये मंजर जब मैंने देखा तो मैं हैरान तो बहुत हुआ लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज़ और देखी आप अली आप्लाम बार बार इशाद फरमाते थे कि मेरा ये बेटा सैद है मेरा ये बेटा सैद है मैं आज पूरी दुनिया के सैदों को आपके इस आ, इस ट्रांसमिशन के तवसुद से ये कहना चाहूँगा उनको कहना चाहूँगा कि उन्हें इमाम हसन नजपाल सरकार का शुक्र गुज़ार होना चाहिए कि इमाम हसन को सैद कहकर पूरी दुनिया के आले रसूल को नबी पाक अली सलात इस्लाम ने गोया के सैयद करार दे दिया और यहाँ पर वो लोग जो ये कहते हैं जी सैयद कितों आ गए वो सैयद कितों आ गए तो मैं कहूँ कि इनके बाबा को खुद मौल कायनात को नबी पाक ने शायद फरमायाली अंत सैदुलरब आज बाज लोगों ये, को ये भी ये कैसे शारी? कह सकते हैं बिकॉज फोर्थ या थर्ड डिसेंडेंट है हजरत अब्दुल्ला शाह जी जी बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये सैयद कितों आ गए और एक एक हमने जुर्म यह भी कर दिया एक हमारे यहाँ ये बहुत फोड़ी, बड़ा यूं समझिए कि जी जी पांचवी पुश्त पुस्तमें हाँ पांचवी पांचवी पुश्त में इमाम हसन हाँ। इमाम हसन मुसन्ना फिर उसके बाद हजरत सैयद महाज फिर उसके बाद हजरत सैयद नफ जकिया और फिर उसके बाद हजरत सैयद नशा अब्दुल्ला ये हमारे सजरे के लोग इस वजह से मुझे याद बिल्कुल तो जो बात मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ पर हमने एक जुल्म ये भी कर दिया आजकल पच्चीस पच्चीस हजार और पचास पचास हजार पे लेकर लोग सादात की सनते बांट रहे हैं

कि मैंने सुना कि एक शख्स जो है कुछ दिनों पहले मैंने सुना मुझे फ़ोन करके कह रहा था कि शाह साहब मेरे पास सैदा पाक के मुँह मुबारक मेरे पास सैदा खजीद रुकबरा के मुँह मुबारक है मैंने कहा तुम्हें ये बात करने से पहले शर्म नहीं आई तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए इस दिन से पहले तुम्हें मौत नहीं आई ये वो हस्तियाँ हैं जिनके मुबारक जूतों के साथ लगी हुई मट्टी को भी आसमान के चांद सितारों ने नहीं देखा और तुम कह रहे हो कि हमारे पास इनके मुंह मुबारक है नहीं। और फिर वो लोग जो है जो सैदा पाक के जो जूते निकाल के निकलते हैं उनको भी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा खुदा के लिए यार होश के ना लो तुम लोग क्या बात कर रहे हो नहीं। नहीं। तो जो बात मैं अर्ज कर रहा था तबूर इर्शात फरमाया कि मैं इनको सैयद कैसे ना कहूँ जिनको सैयद खुद रसूल सल्ला को मुबारक वसलमा इर्शाद फरमाते हैं आखिरी बात इमाम हसन नजपाल सरकार की बारगाह में नजराना अकीदत के तौर पर पेश करके मैं अपनी बात को खत्म करूँगा कि इमाम हसन नजपाल सरकार वो हस्ती हैं कि जो, जो जिनका खुद जो लकब है वो मुझ तबाह है और उनके बाबा का लकब मुर्तजा है और उनके नाना का लकब मुस्तफा है अल्लाह अकबर चले जी बस हम भी अब तैयारी करें अफतार की ब्रेक ले लें ब्रेक से वापस आते हैं। लौलौ الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على